नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र सब्जेक्ट के ऊपर में, जिसमें हमारा आज का सब्जेक्ट होगा संविधान, संविधान का निर्माण यानी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में जो भी चीज़ें हम बताएंगे, जो चीज़ें हम समझाएंगे, वो आपको PDF में इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो उसको लेकर परेशान आप नहीं होंगे, उसको लेकर के जरा सा भी आप चिंता नहीं करेंगे। चलिए, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं 1946 से हम चीज़ों को शुरू करते हैं। हालांकि बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से चीज़ों को शुरू करते हैं, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के इंडिया इंडिपेंडेंस कह लीजिए, या फिर हम कह लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 तक की जो पूरी की पूरी एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो भी लोग पहले बताते हैं। चूँकि वो थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप से हो जाता है तो वहाँ पर हम थोड़ा सा रुक जाते हैं और यहाँ पर हम 1946 से चीज़ों को शुरू करने की कोशिश करते हैं। 1946 से हम लोग क्यों शुरू किए, क्योंकि 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन, हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आपको हर चीज लिखा हुआ मिल जाएगा हिंदी में भी, और इंग्लिश वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आपको PDF में हर चीज लिखा हुआ मिल जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे जो मेरे साथ लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिए, और हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश से भागे नहीं, आप SSC का एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां पर इंग्लिश में पास होना जरूरी है। तो चीजों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एडॉप्ट करना सीखिए, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग कैबिनेट मिशन के बारे में बात कर रहे थे। तो 1946 कैबिनेट मिशन भारत आते हैं। जब कैबिनेट मिशन भारत आते हैं तो कैबिनेट मिशन के तीन सदस्य होते हैं। तीन सदस्य कौन कौन होते हैं, तो एक होते हैं लॉरेंस, एक होते हैं अलेक्जेंडर और एक होते हैं क्रिप्स। कैबिनेट मिशन के तीन सदस्य होते हैं, तीन सदस्य जो भारत आते हैं, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ये तीन सदस्य होते हैं 1946 में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कैबिनेट मिशन को भेजा क्यों गया था। यहाँ तक तो हम बात कर लिए, कैबिनेट मिशन को भेजा क्यों गया था। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक छोटा सा कुछ बात आपसे कर लूँ जो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से इसको हम बात करना जरूरी है। 1945 में 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हो जाती है। सेकेंड WW क्या हो जाता है, समाप्त होता है, ये बात आप जानते होंगे जरूर। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चलता है, सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति होती है, ये 1946 है। किस तरीके से इंटरनेशनल एक कनेक्शन है हमारे देश के साथ, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि 1945 में ही या उससे थोड़ा सा पहले एक इलेक्शन होता है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में जब इलेक्शन होता है तो नए प्रधानमंत्री के रूप में एटली आते हैं। एटली नए प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं इंग्लैंड में, लॉर्ड एटली प्रधानमंत्री के रूप में बनते हैं इंग्लैंड में, और ये कहीं ना कहीं भारत के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है एटली 1945 में। इसी समय हम देखते हैं 1945 में भी दुनिया के बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होता है, जो पूरी दुनिया में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें UNO की बात सबसे पहले आता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, एक बार इसको पलट के तब एग्जाम में जाइएगा, नहीं तो मैं अलग से इसको तो बताऊंगा ही अपने स्टैटिक पॉइंट में, ठीक है। तो UNO की स्थापना होती है यहीं पर WTO जैसे संस्था भी निकल के आते हैं, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस समय आते हैं विश्व बैंक, यानी कि WB इस समय आते हैं, WTO का एक बार देख लीजिएगा कब आया है। तो विश्व बैंक इस समय आते हैं, इसी समय IMF ये दो संस्था आते हैं, जिसको ब्रेटन वुड्स कहते हैं। आपको पता है ब्रेटन वुड्स ट्विंस कौन होता है, तो विश्व बैंक और IMF है ना, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। इसी समय के आसपास ये सारी संस्थाएं बनती है। तो इतनी सारी घटनाएं पूरी दुनिया में हो रही है, और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कोल्ड वार। इसी समय कोल्ड वार भी चल रहा है। कोल्ड वार किसके किसके बीच में चल रहा है, तो USA के बीच में चल रहा है और USSR के बीच में चल रहा है कोल्ड वार। अब यहाँ पे पॉइंट है कि कोल्ड वार जैसी स्थिति की बात क्या है, तो बात यहाँ पर यह है कि UK और फ्रांस, यानी ब्रिटेन और फ्रांस, जो उस समय पूरे दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हुआ करता था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वो कमजोर हो गया है, और पूरे दुनिया में अब USA और USSR ही है, यानी पूरे दुनिया में यही दोनों देश अच्छे तरीके से अपने इन्फ्लुएंस में लिए हुए हैं अपने इन्फ्लुएंस में। अगर हम इसको इकोनॉमी के रूप में देखें तो USA जहाँ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को फॉलोअर था, USSR वहीं पर कम्युनिस्ट या
पहला सोशलिस्ट इकोनॉमी का फॉलोअर था, आप जानते हैं। और भारत में जवाहरलाल नेहरू कहीं ना कहीं सोशलिस्ट एक माइंडसेट रखते थे, क्योंकि वो यूएसएसआर घूम के आए थे और यूएसएसआर की जो डेवलपमेंट था उसको वो देख रहे थे। यहाँ पे एक बात बता दें कि जब मंदी आई थी, दुनिया की महान मंदी जब 1929 में आई थी, तो उस समय एक यूएसएसआर को छोड़कर के पूरी दुनिया मंदी से जूझ रही थी और यूएसएसआर उस समय 12, 15 और पता नहीं कितने परसेंट के हिसाब से अपना डेवलपमेंट कर रहा था। तो ये सारे सिनारियों कहीं ना कहीं एक इंग्लैंड के ऊपर में इनडायरेक्टली प्रेशर था, और भारत के जो नेता थे वो तो जरूर डायरेक्टली, ये था इनडायरेक्टली प्रेशर, और भारत के अंदर जो नेता थे वो डायरेक्टली प्रेशर कर रहे थे, और कहीं ना कहीं भारत के आजादी को लेकर के चीजें बहुत तेजी से आगे निकल रही थी। 1945 के आते आते यानी कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार, हालांकि ब्रिटेन सेकंड वर्ल्ड वार जीतता है, हालांकि इंग्लैंड और फ्रांस सेकंड वर्ल्ड वार जीत जाते हैं, हालांकि अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वार जीत जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को यह अनुभव हो जाता है कि अब हम गुलाम बना करके रखना देश को मतलब नहीं रख सकते हैं, उनको अब हम बहुत दिनों तक इस तरीके से अपनी गलत नीतियों के अंदर नहीं रख सकते हैं, यह बात उनको अनुभव होने लगा था। इसलिए एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इसी समय आप देखिएगा कि दुनिया के जितने भी देश हैं जो गुलाम थे, ऑलमोस्ट मतलब मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 1945 के आसपास ही आजाद होते हैं। भारत 1947 में आजाद होता है, कुछ 1950 में, कुछ 1949 में, कोई 51 में, मतलब 3-4-5 सालों के अंदर में बहुत सारे देश जो अपने आप में एक स्थान रखता है दुनिया में, वो आजादी जरूर पाया है इसी समय, क्योंकि ये एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है इंटरनेशनल मामले में, और उस इंटरनेशनल मामले से यूके फ्रांस बाहर नहीं रह सकता है, क्योंकि अब ताकत भी यूएसए और यूएसएसआर के पास में आ गया है, तो ये जिस तरीके से चाहेगा दुनिया को चलाएगा, आप जानते हैं कि आज भी जैसा चाहता है यूएसए यानी कि अमेरिका दुनिया को चलाता है, एक नए ताकत के रूप में चाइना निकल के आया है, वो भी जैसे चाहता है वैसे दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है और यूएसए चलाता है, तो ये चीजें आप जानते हैं कि हमेशा से होते आया है और आगे भी होता रहेगा। जो बैलेंसिंग पावर का जो बैलेंस है वो होते रहा है, और जिसके पास पावर रहा वो अपने तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया है और किया भी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कहीं ना कहीं 1946 हम इसी के आलोक में, जिसको बोलते हैं पृष्ठभूमि, जिसको बोल सकते हैं कि इसके पृष्ठभूमि में हम 1946 को देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दुनिया चल रही है और कहां हमारी स्थिति है। हम गुलाम है यूके का, ब्रिटेन का गुलाम है 1946 में, और उसी समय इलेक्शन होता है मैंने जैसा कि बताया, और एक नया प्रधानमंत्री चुन के आता है, हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन चलाता है। हालांकि इससे पहले बहुत सारे मिशन हमारे देश में आए थे जिन्होंने भारत में संविधानिक व्यवस्था को बनाए रखने और भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, ये इतिहास की बात है, बात आपको हम बता रहे हैं, इस चीजों को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी बताता हूँ। भारत में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था बनाने के लिए बहुत सारे मिशन जो भारत में आए थे, जैसे क्रिप्स मिशन आए थे, साइमन कमीशन आए थे, बहुत सारे लोग आए थे जो कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे समय 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 पे, लेकिन भारतीय नेता, भारतीय लोग उस चीज को इनकार करते हुए चले जा रहे थे, क्योंकि उनको पूर्ण स्वराज, पूर्ण आजादी, जो इसको बोलते हैं पूरा इंडिपेंडेंस से अलग कुछ नहीं चाहिए था। ऐसा आप जानते हैं 1929 के जवाहरलाल नेहरू ने अपने लाहौर अधिवेशन में कहा था, पूर्ण स्वराज से इतर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन को अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरी दुनिया की नजर से आप देखिएगा कैबिनेट मिशन को, और भारत की नजर से भी देखिएगा, तो आपको ये फट से याद होगा कि अरे हाँ, दुनिया में देखो क्या चल रहा था। ऐसा नहीं है कि हमेशा कुछ चीजों को जिसको हम बड़ा बढ़ा चढ़ा करके बोलते वही योगदान देते हैं, कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में हम सोच नहीं पाते हैं और वो अपना काम कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली, इस बात को समझिएगा। तो कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन, लॉरेंस एलेक्जेंडर और क्रिप्स जो है ना, ये चीजें जब भारत में आते हैं तो उनका क्या मोटिव होता है और क्या कह के भेजते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री समय कौन है, इटली, तो भेजेगा कौन इटली, तो भारत में ये क्या कह कर भेजा जाता है वो देखें। कहते हैं कि हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे, जो भी मैं बता रहा हूं वो लिखा हुआ मिल जाएगा, बस आप समझिए। कहते हैं कि हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे, ठीक है, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे, जिसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा गया, उत्तरदायी सरकार। और उसमें दूसरी बात ये कहते हैं कि देखिए हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके देश में जो शासन होगा वो कैसे होगा। पॉइंट पे देखिए, मैं क्वेश्चन आंसर में चीजों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, मैं अपने तरीके से बनाया हूं, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन आता है, हमारे नेताओं को कहते हैं कि ठीक है हम देश तो आजाद कर देंगे, यानी कि उत्तरदायी सरकार का निर्माण, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपका तो होगा, आप गवर्नमेंट बनाइए, लेकिन देश कैसे चलाओगे,
देश कैसे चलाओगे, किस हिसाब से चलाओगे? वही राजा रानी वाली व्यवस्था होगी कि एक राजा को बैठा दिया जाएगा, तलवार के बल पे आपके ऊपर शासन करेगा, गला काट देगा गलती करने वालों को और रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारेगा। वैसा शासन चाहिए या कुछ ऐसा नियम कानून से शासन करो जिसमें हर चीज एक, एक, एक बंधा हुआ, मतलब कि एक कानून के हिसाब से बातें हो सके, जहां पे चीज है। क्योंकि मानव का व्यवहार होता है एग्रेशन, इस बात को समझिएगा, मानव का व्यवहार एग्रेशन होता है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं मानव स्वभाव से शांत होता है, तो आप बच्चों से उनके व्यवहार को देख सकते हैं, मानव स्वभाव से शांत नहीं होता। तो अगर ध्यान रखिएगा कि जब तक नियम कानून की चीजें नहीं बनेगी तो फिर समाज में अव्यवस्था फैल जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा गया कि नहीं, संविधान सभा का संविधान बनाओ, यानी कि आप संविधान के हिसाब से शासन करो, संविधान के हिसाब से शासन किया जाएगा। अब ये संविधान की मांग का बात अगर हम पॉइंट में मतलब पीछे लेके चले, जो कि हमें करना चाहिए क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा हम बात करेंगे। संविधान की बात करो, संविधान से देश पे शासन करो, तो इस संविधान की मांग सबसे पहले एम एन रॉय साहब ने 1934 में ही कहा था कि भारत पे संविधान के हिसाब से शासन होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, एम एन रॉय साहब ने 1934 में कहा था कि भारत में संविधान के हिसाब से शासन होना चाहिए। उसके बाद समय समय पे बहुत सारे लोगों ने संविधान की बात करते हुए आए हैं, उसी में नेहरू रिपोर्ट भी आया है। हालांकि नेहरू रिपोर्ट तो 1928 में ही आया था, उस समय और भी बहुत सारे लोग करते हुए आ गए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं संविधान की बात हो रहा था। और संविधान कैसे बनेगा? संविधान सभा से बनेगा, और यहां से मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात शुरू हो जाती है। तो जब कभी भी यहाँ पे एग्जाम का क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराते हुए चलूं, जो कि मैं हमेशा कराता हूं, कि जब कभी भी आपको बात हो कि संविधान सभा का, यानी कि संविधान सभा के निर्माण किसके क्या बोलते हैं कहने पे या किसके ऑफर पे हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के कहने पे हुआ था। कैबिनेट मिशन ने रिकमेंड किया था कि आप संविधान सभा बनाइए, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए। इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, आप बस मैं समझा रहा हूं उसको समझो। इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बनाइए। भैया संविधान सभा तो बनाने के लिए कह दिया, ये बनेगा कैसे, ये बनेगा कैसे, ये बात भी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कैबिनेट मिशन थे उन्होंने आकर के बहुत सारे रिकमेंडेशन दिया। उन्होंने कहा कि देखो एक संविधान सभा बनाओ, और संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे संविधान सभा के जो सदस्य थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं हिंदी कभी के इंग्लिश लिखूंगा तो परेशान नहीं होंगे, ठीक है? हिंदी बोर्ड पे इंग्लिश लिखना आसान होता है, हिंदी के साथ क्या है ना 52 लेटर्स है, तो मतलब समझ रहे हैं ना। फिर भी मैं कोशिश करूंगा दोनों लैंग्वेज में लिखना। तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या थे? निर्वाचित थे संविधान सभा के सदस्य जो भी थे। और फिर संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन किया गया, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। संविधान सभा बनाया गया, ठीक है, और संविधान सभा बना करके संविधान के निर्माण की प्रोसेस को जारी किया गया, ठीक है, संविधान सभा बनाया गया, ठीक है, बनाया गया। अब ये कब बनाया गया संविधान सभा? तो देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में 9 दिसंबर को होता है, 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होती है 1946 में। तो ये कैबिनेट मिशन के बारे में हम छोटा सा बात आपसे कर रहे थे, जो चीजें हम यहाँ पे दिखा रहे थे। तो थोड़ा सा मैं कैबिनेट मिशन को आपको बता दूं कि कैबिनेट मिशन क्या कहता है। कैबिनेट मिशन कहता है कि भैया देखो संविधान सभा बनाओ, तब उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो जाएगी। 3 लोग आए थे, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, और 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। इन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यक्तियों को मिलकर के एक संविधान सभा बनाओ, और पहला संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। अब यहां चीजों को थोड़ा सा रोकते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन की बात यहां पे समाप्त हो गई, याद रखिएगा। अगर कैबिनेट मिशन से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या क्या पूछेगा, मैं आपको बताया था, वो आपके सामने में लिखा हुआ है। मैंने पहले भी कहा कि हर चीज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। अगर कैबिनेट मिशन से क्वेश्चन पूछता है तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई है, कब आई थी कैबिनेट मिशन, तो 1946 में आया था। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। कौन कौन? लॉरेंस, अलेक्जेंडर, क्रिप्स, ये 3 सदस्य थे। ये क्वेश्चन
क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था संविधान सभा का निर्माण करो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण कैसा होगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए व्यक्ति के द्वारा होगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ तो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। और पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। हालांकि ये बात हम फिर से एक बार आएंगे, लेकिन अब बोर्ड पर थोड़ा सा अलग चीज आपसे बात करते हैं इसी के जुड़े हुए। अब कैबिनेट मिशन ने कह दिया कि इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन हुआ। और इलेक्शन कब हुआ, तो इलेक्शन भी 1946 में हुआ। इलेक्शन कब हुआ, 1946 में हुआ इलेक्शन, ठीक है, 1946 में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन हुआ 1946 में। और यहां पे एक बात ध्यान में रखिएगा, जो इलेक्शन से जुड़े हुए बातें हैं वो क्या बातें हैं इलेक्शन से जुड़े हुए, जरा एक बार ध्यान से हम समझते हैं। देखिए हुआ ये था कि मैं आपको थोड़ा सा लिखे हुए चीजों पर भी चलता हूं, इसलिए ताकि आपको पता चले कि हमने क्या क्या नोट्स भी बनाया है, उसके ऊपर भी बात थोड़ा सा करते हुए चलेंगे। चलिए, हमने आपको क्या कहा था कि एम एन रॉय पहले ऐसे व्यक्ति है जिसने संविधान सभा की बात की थी। एम एन रॉय फर्स्ट व्यक्ति है जो संविधान सभा की बात की थी, कब, 1934 में ही, 1934 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन आया, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ये बात हमने आपको बता दिया था, ठीक है। चलिए, क्या रिकमेंड किया था, तो रिकमेंड किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा की स्थापना की बात की थी। हिंदी में भी लिखा हुआ, याद रखिएगा कि संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया था। हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, मेरी बात को बड़े ध्यान से आप समझेंगे, संविधान सभा के प्रस्ताव की बात हुई थी। अब यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्शन, तो इलेक्शन तक चलते हैं, उससे पहले एक छोटी सी बात कर ले। सबसे पहले जो तय किया गया था वो क्या गया था कि 389 सदस्य होंगे संविधान सभा में। कितने सदस्य होंगे, 389, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। 389 सदस्य की सदस्य का एक सभा बनाने की पूरी व्यवस्था बनाई गई थी, जिसमें से आप देखिएगा 296 जो 296 सदस्य थे वो आना था किससे, निर्वाचित होकर के, कहां से, ब्रिटिश क्या बोलते हैं उसको, प्रोविंस से। यहां पे देखिएगा ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश प्रोविंस से कितना, 296 लोग आए थे और ये निर्वाचित होके आने वाले थे। जबकि 93 सीट कहां से आने वाले थे, प्रिंसली स्टेट जिसको हम रियासत बोलते हैं, रियासतों से रियासत, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है रियासतों, ठीक है, रियासतों से 93 लोगों को लाया जाने वाला था। अब यहां पे एक बात ध्यान में आप रखिएगा कि किस तरीके से क्या बोलते हैं, रियासतों से आने वाले थे और किस तरीके से आपको ब्रिटिश प्रोविंस से आने वाले थे। तो देखिए, ब्रिटिश प्रोविंस से आने वाले थे आपके इलेक्शन के द्वारा और रियासतों से आने वाले थे आपके क्या बोलते हैं, मनोयन, यानी कि इसको नॉमिनेशन के द्वारा। नॉमिनेशन मतलब ये क्या है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए। तो ये कहा गया कि जितने भी ब्रिटिश रियासत है वहां पे इलेक्शन, मतलब वहां के जो विधानसभा है वहां पे इलेक्शन हम करवाएंगे इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, इनडायरेक्टली, और वहां से संविधान सभा में लोगों को भेजेंगे, ये बात कहा गया। दूसरी बात ये कहा गया कि जो देशी रियासत है जहां पे राजा रानी का शासन है, जहां पे राजकुमार का शासन है, वहां से मनोनीत व्यक्ति, यानी जिसको वो चाहेंगे मनोनीत करके भेज देंगे, तो वहां से मनोनीत व्यक्ति को भेजा जाएगा संविधान सभा में। और इस तरीके से संविधान सभा में एक सबकी इन्वॉल्वमेंट का एक पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो देसी रियासत का तो इलेक्शन की बात नहीं थी, यानी कि देसी रियासत को जो सीट दिया गया था उसमें इलेक्शन की जैसी कोई बात नहीं की गई थी, तो इलेक्शन की बात कहां होनी थी, तो ब्रिटिश प्रोविंस में। तो वही बात हम यहां पे करने वाले हैं इलेक्शन में, जो बात हम वहां पे किए थे कि 1946 में जो इलेक्शन होता है, ध्यान में रखिएगा 1946 में जो इलेक्शन होता है उसमें क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो स्टेट असेंबली से, जो कि हमने बताया कि जो राज्यों के विधानसभा था, विधानमंडल था, वहां से लोग इनडायरेक्टली आने वाले थे, इनडायरेक्टली, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, इनडायरेक्टली बाय लिमिटेड फ्रेंचाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था, कुछ ही लोगों को मताधिकार का अधिकार था। चलिए ठीक है, इलेक्शन किसका होना था, मैं फिर से बता दूं, इलेक्शन होना था ब्रिटिश प्रोविंस में। अब जो इलेक्शन के सीट दिए गए थे 296, आपको मालूम है कि इलेक्शन के सीट कितने दिए गए थे, 296, इस 296 में से कांग्रेस को 208 सीट मिले इलेक्शन के बाद और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिले। तो अगर इस दोनों सीट को हम जोड़ दे तो कितना होता है, 8 3 11 7 1 8 और 2, यानी कि 281 सीटों का पूरा हमारे पास ब्यौरा आ जाता है यहाँ पे, 281, और सीट कितने थे, 296,
296 सीटें थी, 296 सीटें की बात की गई थी, जिसमें से 281 सीटों का आपका रिजल्ट आपके पास में है। तो सर बाकी कहां बच गया, बाकी 15 बच गया ना। तो जो छोटे छोटे पार्टी थे ना, उन्होंने 15 सीटों पे अपना कब्जा जमाया था, छोटे छोटे दल जिसका नाम लिखना जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और पूछेगा भी तो यही पूछेगा कि कांग्रेस को कितने सीट मिले थे, 208, मुस्लिम लीग को कितने सीट मिले थे, तो 73, 273। किस में, 1946 के इलेक्शन में, जिस इलेक्शन से संविधान सभा का निर्माण होने वाला था। यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखिएगा, जो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, 1946 के इलेक्शन से संविधान सभा का निर्माण तो होने वाला ही था, साथ ही साथ इंट्रिम यानी कि इंट्रिम गवर्नमेंट का भी निर्माण होने वाला था, अंतरिम सरकार का भी निर्माण होने वाला था। क्योंकि ये कहा गया था कि इलेक्शन के बाद आप जो नेता को, यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस समय, जो घोषित किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी को, और उस समय आप जानते हैं कि हमारे महात्मा गांधी जी और क्या बोलते हैं सरदार पटेल साहब, और भी लोग सब, राजेंद्र प्रसाद जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऐसे ऐसे लोग थे जो कि चीजों को क्या बोलते हैं हैंडल कर रहे थे अंग्रेजों के साथ। तो वहां पे कहा गया था कि आपकी उत्तरदायी सरकार बन जाएगी, इंटरिम गवर्नमेंट, और मतलब कि अंतरिम सरकार बन जाएगी, वो अपने तरीके से अपने सरकार को चलाएगी आपके देश में, और एक तरफ संविधान सभा का निर्माण हो जाएगा। जब संविधान सभा का निर्माण हो जाएगा, हम आपके देश को छोड़ देंगे, यानी कि हम आपके देश को टाटा बाय बाय करके निकल जाएंगे उसी समय। ठीक है, ये बात भी उसी समय हो गई थी। और उसी समय एक और बात हो गई थी, हालांकि ऐतिहासिक घटना है, लेकिन उसको मैं बता दूं कि 1946 में ही क्या बोलते हैं, जो मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था, और लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान जैसे नारों के साथ पूरे देश में दंगा फैल गया था, और खास करके बिहार और बंगाल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा दंगा थे। तो ये कहानी भी साथ साथ ही चल रही थी, मतलब एक तरफ संविधान सभा के निर्माण की बात हो रही थी, उसी समय दंगा भी हो रहा था, और उसी समय इंटरिम गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन हो रहा था। ये तीनों चीजें एकदम पैरेलल में चल रही थी। इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अपने मन में बैठा लीजिएगा। इसलिए आप देखिएगा कि जो संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, उसमें महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि अकेले ही दंगाइयों को शांत करने के लिए नोआखली के गलियों में, यानी कि जो बंगाल का जो गलियां हैं, वहां पे अकेले घूम रहे थे दंगाइयों को शांत करने के लिए, और मुस्लिम लीग को मतलब संतुष्ट करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई, और वहां पे जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था, उसमें मुस्लिम लीग के बहुत सारे सदस्यों को क्या बोलते हैं जगह दिया गया था। लियाकत अली खान जैसे लोग वित्त मंत्रालय में थे, और भी बहुत सारे लोग थे जो मुस्लिम लीग से संबंधित रखते थे, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट में थे। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि इंटरिम गवर्नमेंट से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लियाकत अली खान से भी, वित्त मंत्री कौन थे इंटरिम गवर्नमेंट में। तो वो सारी बातें मैं आपको यहां पे बताऊंगा, हर चीज को मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं। तो हम क्या बोल रहे थे कि कांग्रेस को 208 सीट मिला, मुस्लिम लीग को 73 सीट, इंटरिम गवर्नमेंट की भी बात चल रही थी, ये भी बात सामने में आता। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां से हमने छोड़ा था वहां तक हम पहुंचे। हमने कहां छोड़ा था, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब होता है, 9 दिसंबर 1946, पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, और चूंकि सभा बना है तो उसके कोई ना कोई चेयरपर्सन होंगे, तो चेयरपर्सन बनाया गया जो कि टेम्पोररी थे, जो कि अस्थाई थे, सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा। सारा कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप परेशान नहीं होंगे, बस मैं जो बोल रहा हूं ना उसको समझिए और को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। सच्चिदानंद सिन्हा को भारत का सॉरी संविधान सभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थाई अध्यक्ष, लेकिन उसके दो दिन के बाद ही आप देखते हैं कि परमानेंट चेयरपर्सन के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हो जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट चेयरपर्सन बन के आते हैं 11 दिसंबर 1946 को। मैं डेट नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये डेट वही है, 9 दिसंबर को क्या बोलते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि टेम्पोररी था, और 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि परमानेंट थे, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी आपको दिखाई पड़ते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। उसके ठीक दो दिन के बाद, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को, जो कि डेट यहाँ पे लिखा हुआ होगा, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा संविधान सभा के सामने में, जिसको हम उद्देशिका प्रस्ताव बोलते हैं। उद्देशिका प्रस्ताव यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। देखो मैंने बहुत सारी बातें समझाया है, एग्जाम का क्वेश्चन कहना थोड़ा सा एक जगह भूल गया है,
तो ध्यान रखिएगा कि एग्जाम के क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़े गौर से समझिएगा, आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे, एकदम बनेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, विश्वास रखिए। चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो उद्देशिका प्रस्ताव किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब दिया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसी उद्देशिका प्रस्ताव को आगे चल करके भारत के प्रस्तावना के रूप में इंक्लूड किया गया, भारत का प्रस्तावना बनता है। तो ये भी एग्जाम का क्वेश्चन बनता है दो तरीके से, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है, लेकिन कंफ्यूज आप लोग नहीं होइएगा कि प्रस्तावना कहां से लिया गया है। तो प्रस्तावना लिया गया यूएसए से, लेकिन जो हमारा उद्देशिका प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, वो उद्देशिका प्रस्ताव कहां झलकती है अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, या उद्देशिका प्रस्ताव किस रूप में भारत के संविधान में है अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, तो प्रस्तावना के रूप में उद्देशिका प्रस्ताव भारत के संविधान में है। जो बात आप ध्यान में रखिएगा, मैं आपको समझा दिया हूं, लिखा हुआ भी जरूर होगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूं लिखा हुआ, बस मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं, आप अपने तरीके से चीजों को देख लीजिएगा, कुछ कुछ चीजें तो मैं जरूर पढ़ लूंगा, ठीक है। चलिए, संविधान के निर्माण की बात आगे चल रही थी, और इसी समय दो तीन बातें जो संविधान सभा से जुड़ी हुई थी वो बात हम आपको बता दें। महात्मा गांधी जी और जो जिन्ना थे, ये दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं बने थे, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। दूसरी बात यह है कि जितने भी प्रिंसली स्टेट को सीट दिया गया था, उसमें हैदराबाद ने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया था, यानी कि हैदराबाद ने कहा था कि हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे, हैदराबाद ने कहा था संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। ये बातें एग्जाम का क्वेश्चन है, हैदराबाद वाली एग्जाम का क्वेश्चन है कि कौन ऐसा प्रिंसली स्टेट था जो संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया था। तो हैदराबाद संविधान सभा में शामिल होने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। ये बात आप समझिएगा अच्छे तरीके से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के बारे में अगला पॉइंट यह है कि संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थे? तो संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थे, 15 जो वीमेन मेंबर थे संविधान सभा में, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट यह है कि संविधान सभा में कौन से प्रांत को सबसे ज्यादा सीट दिया गया था, और किस प्रिंसली स्टेट को सबसे ज्यादा सदस्य दिया गया सीट दिया गया था। तो संविधान सभा में यूपी, जो आज का उत्तर प्रदेश है, उस समय संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस। तो यूनाइटेड प्रोविंस को सबसे ज्यादा सीट दिया गया था, और वो थे 55 यूनाइटेड प्रोविंस को। यूपी को कितने सीट दिया गया था? 55। और प्रिंसली स्टेट में सबसे ज्यादा सीट किसको दिया गया था? मैसूर को। आप जानते हैं, नाम सुना होगा, मैसूर, टीपू सुल्तान, हैदर अली, इतिहास के क्लासेस में इसके बारे में बात करेंगे। तो मैसूर को सीट दिया गया था सबसे ज्यादा, ठीक है, प्रिंसली स्टेट में। और उत्तर प्रदेश यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस को दिया गया था ब्रिटिश प्रोविंस में सबसे ज्यादा सीट चुनाव में। ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताई, अभी मैं बता दूं, आपने लिख लीजिएगा कॉपी में, अगर आपको स्लाइड में नहीं होगा तो मैंने आपको बता दिया, ये कॉपी में जरूर आप एंट्री कर लेंगे। चलिए ठीक है, अगला बात हम लोग बात करते हैं, आगे देखते हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। देखिए, अब चूंकि आगे चल करके संविधान सभा की बैठक हो रही थी, संविधान बनाए जा रहे थे, इंटरिम गवर्नमेंट का भी गठन किया गया था, इंटरिम गवर्नमेंट सरकार भी चला रही थी, संविधान भी बनाए जा रहे थे, और देश में एक नई तरीके की लहर भी चल रही थी, और उस नई तरह की लहर में एटली का एक घोषणा पत्र भी आता है, क्लीमेंट एटली, वो कहते हैं कि मैं 15 मतलब कि भारत को जल्दी ही छोड़ दूंगा। हालांकि इटली के बारे में बात हम लोग इतिहास में सबसे ज्यादा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि हम भारत को जल्दी छोड़ देंगे, भारत को हम पहले निकाल देंगे, एक। और दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये था कि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन को। अब यहाँ पे परिस्थितियां अलग तरीके से चलनी शुरू हो जाती है, और जब परिस्थितियां अलग तरीके से चलनी शुरू हो जाती है तो कुछ इस तरीके से काम करता है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं और भारत में भारत के विभाजन का एक प्लान बनाते हैं, भारत के विभाजन का। और भारत का विभाजन का जब वो प्लान बनाते हैं, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इतिहास में हम लोग बात करेंगे कि किसके प्लान के ऊपर में भारत का विभाजन हुआ था, ठीक है, ये इतिहास में हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहां पे बताते हैं कि जब भारत विभाजन हुआ था तो किसके प्लान पे? लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान पे, जिसको 3 जून प्लान भी कहते हैं। तो भारत का विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य यानी संविधान सभा के जो टोटल मेंबर थे वो कम हो गए, और वो कितना हो गए? 299 ब्रिटिश प्रोविंस से और 70 प्रिंसली स्टेट से, यानी कि 299 पूरे हो गए, जिसमें 229 ब्रिटिश प्रोविंस से और 70 कहां? प्रिंसली स्टेट से घट गया, यानी कि घट गया, 389 था ना, अब कितना हो गया? 299 हो गया ना, 389 से कितना हो गया? 289 हो गया।
296 था ना, 296 था ब्रिटिश प्रोविंस में, अब कितना हो गया 229 हो गया ब्रिटिश प्रोविंस में। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, जो कमी हुई है उसको आप एक बार ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा कि किस तरीके से सीटों की संख्या कमी हुई आफ्टर द पार्टीशन, यानी पाकिस्तान के बनने के बाद। पाकिस्तान दो रूप में बना, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान आज के डेट में बांग्लादेश के रूप में हमको नजर आता है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं संविधान सभा के रूप में। हम क्या देखते हैं संविधान सभा में कि संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को, मैं इसको मिटाता हूं और ये चीजें यहां पे ध्यान रखिएगा कि 22 जुलाई 1947 को इन्होंने नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया था, राष्ट्रीय झंडा को एडॉप्ट किया था। किसने? संविधान सभा में। हिंदी में भी वो बातें लिखी हुई है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा को कब एडॉप्ट किया था, तो 22 जुलाई 1947 को। और नेशनल फ्लैग को किसने, नेशनल फ्लैग ध्यान से रखिएगा, को किसने डिजाइन किया था, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया था, तो पिंगली बंकैया नाम है, पिंगली बंकैया, मैं यहां पे लिख देता हूं पिंगली वंकैया, वंकैया यहां पे लिख देता हूं मैं, पिंगली वंकैया ने यहां पे। पूरी बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है, छूटना नहीं चाहिए। और हालांकि अभी तक जितने भी बताऊं मैं सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, यानी कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आप इसको करके आएंगे तो इत्मीनान रखिए आपको एग्जाम में स्कोर करेंगे, 100% करेंगे। यहां पर मैं खड़ा होकर के इधर उधर की कोई भी बातें नहीं, ऐसा नहीं करूंगा जो एग्जाम से अलग चले जाए और फिर हम कुछ और पढ़ा करके बाहर निकल जाए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, अगर प्रीवियस ईयर यानी कि जो पीछे पूछेगा क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, एक एक क्वेश्चन बनेगा, विश्वास रखिए, ठीक है। चलिए तो पिंगली बंकैया ने नेशनल फ्लैग को क्या किया गया था, डिजाइन किया था। और नेशनल फ्लैग को कब एडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। एक दूसरी बात, नेशनल एंथम इसको कब एडॉप्ट किया, तो 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम को एडॉप्ट किया गया। नेशनल एंथम, हमारा नेशनल एंथम क्या है और हमारे नेशनल एंथम को किसने लिखा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। तो इसको क्या कीजिएगा, आप कमेंट में हमें आंसर करेंगे कि हमारा नेशनल एंथम क्या है और इसको किसने लिखा है। ठीक उसी तरीके से हमारा नेशनल सॉन्ग जो कि राष्ट्रीय गान कहलाता है, ये भी 24 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट किया गया था। तो आप हमें बताएंगे कि हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है और इसको कब अडॉप्ट किया गया था, ये भी आप हमें, सॉरी एडॉप्ट नहीं, इसको किसने लिखा था, ये भी आप हमें कमेंट में बताएंगे। ये दोनों कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा इसका आंसर है। चलिए ठीक है, तो ये बात है, हम लोगों ने थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी कि संविधान सभा के बारे में बात कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं संविधान सभा में। जो बातें मैंने आपको पीछे बताया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैदराबाद जो है ना संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, नॉट पार्टिसिपेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बात मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब अगला पॉइंट है वो तो बड़ा आप जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते हैं, आपसे कुछ लोग भी ऐसे ही पूछ लेते हैं कि भैया संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ, बताओ तो, बड़ा पढ़ते हो, 2 साल 11 महीना 18 दिन ऐसा पूछ लेते हैं कुछ लोग, क्या कीजिएगा। जो हालांकि देखिए उसे निराश होने की जरूरत नहीं है, जो लोग आपसे बात करते हैं और कुछ इस तरीके से आपके साथ व्यवहार करते हैं, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर रहे होते हैं। क्या हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि वो मन में अगर आप बैठाते हैं और घर पे आके पढ़ते हैं तो वो फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो कभी भी निराश नहीं हुई है किसी चीज को लेकर के, हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अच्छे सोचिएगा तो अच्छी चीजें आपके पास आएंगे, ठीक है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन रेडी इन 2 year 11 month 18 दिन, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में संविधान को बनकर के तैयार हुआ था। और एक अलग तरीके का पॉइंट है कि इसमें 62-63 लाख रुपया खर्च हुए थे, ये सब ध्यान में नहीं रखना, बस पूछने के लिए लोग आपको परेशान करने के लिए कह सकते हैं। चलिए, बीएन राव, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, यहां पर देखिएगा मैंने एमएन रॉय के बारे में बात किया था और बीएन राव, यहां पर ध्यान रखिए, मैं फिर से लिखता हूं एमएन रॉय और बीएन राव, ये दो नाम है, ये दोनों नाम एग्जाम का क्वेश्चन है, ये पहला नाम और ये दूसरा नाम। पहला नाम है जो पहली बार संविधान के निर्माण की बात किया था 1934 में, एम एन राय साहब, और बी एन राव ये संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, यहां पे देखो संवैधानिक सलाहकार,
कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि बीएन राव और एमएन राव से कभी भी आप लोग परेशान ना होंगे, ये एग्जाम का क्वेश्चन बना है, कई बार बनेगा, आगे भी बनता रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता 1949 में ली। ये क्वेश्चन एग्जाम का बन जाता है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ली, ये क्वेश्चन क्यों बनाते हैं और कुछ लोग इसके बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, राष्ट्रमंडल में तो वो सदस्य हैं जो कि कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम थे, तो इसमें यूएसए क्यों नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अभी भी इनडायरेक्टली ब्रिटेन के ही कुछ ऐसा करके बात करते हैं, ये सब बेवकूफाना बात है, सब कुछ उल्टा है। पॉइंट क्या है कि ये आपकी मर्जी की बात है कि आप शामिल हो या नहीं हो। उस समय कहा गया था कि आपका नहीं मन है तो नहीं शामिल हुई, तो राष्ट्रमंडल में यूएसए शामिल नहीं है, आपका मन है तो आप शामिल होइए, भारत का मन हुआ तो भारत शामिल हुआ। भारत प्रभु संपन्न देश है, बिल्कुल प्रभु संपन्न देश है। प्रभु संपन्न का मतलब होता है कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, बिल्कुल सॉवरेन कंट्री है हम, और राष्ट्रमंडल में शामिल होना हमारा व्यक्तिगत इच्छा की बात थी, हमारे उस समय के जो प्रधानमंत्री या उस समय के जो भी लीडर थे ये उनकी इच्छा की बात थी। और वैसे भी दुनिया से कट के आप नहीं रह सकते हैं, आपको दुनिया के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि जुड़ने से ही आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, नहीं जुड़े रहेंगे तो आप डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये बात हमने आपको बताया राष्ट्रमंडल से। कुछ लोग यहां पे बात करते हैं कि राष्ट्रमंडल में शामिल होना कहीं ना कहीं हमारी गुलामी की बात तो नहीं है, ये सब बकवास की बातें हैं जो कुछ लोग हमारे साथ करते हैं। चलिए अब हम लोग ने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातों में हमने क्या बताया कि किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ, कैबिनेट मिशन आए, तीन लोग आए थे, रिकमेंडेशन दिया संविधान सभा के निर्माण करने के लिए, वहां पे हमने इनडायरेक्टली इलेक्शन करवाया, संविधान सभा बैठाया 9 दिसंबर को, हमने अध्यक्ष बनाए, अस्थाई अध्यक्ष भी और अस्थाई अध्यक्ष भी। फिर हमने और भी बातें की कि कब झंडा को यानी नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, और उसके बाद फिर हमने जवाहरलाल नेहरू की बात की, उद्देशिका प्रस्ताव की बात किया था, 15 महिलाओं ने शामिल हुआ, हैदराबाद शामिल नहीं थे और भी कुछ लीडर शामिल नहीं थे, ये सारी बातें हम लोगों ने आपके सामने में किया। अब उसी संविधान सभा में हम एक बात क्या देखते हैं कि कमिटी जो समितियां थी, समितियां हम उसकी बात यहां पे करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, हिंदी को लेकर के कुछ कमेंट्स आते रहते हैं तो आप लोग क्यों परेशान होते हैं, मैं हिंदी में ही तो बात करता हूं, हिंदी में ही तो सब कुछ करता हूं, तो आप उतना परेशान मत होइए, ठीक है। कैबिनेट कमिटी समितियां और चेयरपर्सन अध्यक्ष, जब समितियों की बात करते हैं और चेयरपर्सन की बात करते हैं तो यहां पे देखिएगा यूनियन पावर कमिटी संघ शक्ति समिति, और इसके चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, संघ की बात जैसे ही आ गए तो जवाहरलाल नेहरू की बात हो जाएगी जैसे ही संघ की बात आ जाए। जैसे कि दूसरा देखिए यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर से संघ की बात आ गया, फिर से जवाहरलाल नेहरू। आप संघ से जवाहरलाल नेहरू को ध्यान रखिएगा क्योंकि जवाहरलाल नेहरू आपके उस समय प्रधानमंत्री थे, आपको पता है, और जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद भी भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी बात आपको पता है। तो संघ से जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात कर लिए, लेकिन जैसे ही राज्य प्रांत की बात आई, यहां पर प्रोविंशियल राज मैंने लिख दिया, क्वेश्चन में हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि प्रांत लिखा हुआ आ सकता है, तो जब भी प्रांत की बात आ जाए तो आप सरदार पटेल की बात कीजिएगा। कैसे आपको याद रखना है, तो चूंकि उन्होंने बहुत सारे राज्यों को इकट्ठा किया था, इकट्ठा करके एक देश बनाने का काम किया था, तो कहीं ना कहीं इसमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा भूमिका थी, तो इस वजह से उसको लौह पुरुष भी उनको कहा गया था। तो यहाँ पे प्रांत से सरदार पटेल ध्यान रखेंगे, संघ से चूंकि वो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो संघ से जवाहरलाल नेहरू को याद रखेंगे। तो संघ जवाहरलाल नेहरू, प्रांत सरदार पटेल, मूल अधिकार पे सरदार पटेल की ही बात करेंगे, मूल अधिकार पे भी, और संचालन समिति के सदस्य अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। और दूसरा झंडा समिति, ये इतना इंपॉर्टेंट है और इतना कंफ्यूजन है, इतने अलग अलग इसके बात करते हैं ना कि मैं तो मतलब परेशान हो जाता हूँ लोगों को सुन करके। झंडा समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, आप जानते हैं लक्ष्मीकांत को आप पढ़ते होंगे जरूर, बहुत सारे लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ करके तो यूपीएससी करते हैं, अपन तो लक्ष्मीकांत बहुत पढ़े हैं, हमने क्या बोलते हैं सुभाष कश्यप भी पढ़ा है और भी लोगों को, और हमारे पास संविधान भी होते हैं, मतलब जो लोग नॉर्मली इन किताबों को पढ़ते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। कुछ लोग जो है ना झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसी और को, खास करके कृपलानी जी का नाम वहां पे डाल देते हैं, तो ये सब गलत है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। फ्लैग कमेटी, झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस बात को समझ लीजिएगा। तो ये कमेटी है और चेयरपर्सन है, और भी देखते हैं आगे कौन कौन सी कमेटियां हमारे बीच में है और उसके चेयरपर्सन और उनके बारे में नाम क्या क्या है। चलिए अब हमारे सामने में सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी आया है, वीवीआई है,
और डॉक्टर बी आर अंबेडकर। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बाबा साहब का नाम अभी तक नहीं लिया। देखो, बिना बाबा साहब के नाम लिए संविधान नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। बिना अंबेडकर जी के नाम लिए हुए, डॉक्टर साहब के नाम लिए, मैं इनको डॉक्टर साहब कहता हूँ, आप लोगों के भावनाओं में आकर के बाबा साहब अंबेडकर जी बोल देता हूँ, मैं इनको हमेशा डॉक्टर साहब बोलता हूँ। तो बिना डॉक्टर साहब के संविधान पूरा नहीं हो सकता है, बिना डॉक्टर साहब के हम चीजों आगे नहीं बढ़ा सकते, आपको मालूम है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना इनका काम था, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना इनका काम था। और जो आप जानते हैं ना कि अलग अलग जगहों से जो सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि ये कहाँ से क्या लिए, कहाँ से क्या लिए, वहाँ से कुछ ले लिए, मतलब यूएसएसआर से कुछ ले लिए, यूएसए से कुछ ले लिए, फ्रांस से कुछ ले लिए, जापान से कुछ ले लिए, आयरलैंड से कुछ ले लिए, यूके से कुछ ले लिए, तो ये अलग अलग जगहों से जब कुछ लिए हैं ना, ये सारा कुछ लेकर इकट्ठा करके ड्राफ्ट करने का काम किनका था, तो बी आर अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में इन सारे लोगों का था, ये सारे उनके साथ थे, ठीक है। अंबेडकर जी चूंकि चेयरपर्सन थे तो अंबेडकर साहब को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया जाता है, ठीक है, अच्छा बात है, क्योंकि जो चेयरपर्सन होते हैं उनका नाम लिया जाता है, लेना भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब यहाँ पे संविधान को निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, संविधान को निर्माण करते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में इनका क्या बोलते हैं देखा जाता है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया गया है, अभी भी पूछते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन में इसको गिनती किया जाता है, क्योंकि लोग डॉक्टर साहब को जानते हैं कि ये क्या थे। पॉइंट यहाँ पर यह है, एक दो जो आप देखिएगा कि कौन कब ये प्रारूप समिति को स्थापित किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 यानी 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति को क्या किया गया था, कि स्थापना किया गया था, ये बात आप अच्छे तरीके से समझिएगा। और उसके बाद आप क्या देखेंगे कि प्रारूप समिति में डॉक्टर साहब को लेकर के 7 सदस्य थे। देखिए यहाँ पे मैं गिनती करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है ना आपको, मैं आपको मिटा करके गिनती कर दूं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे टेबल बना दिया मैंने, ठीक है। तो 7 सदस्य थे डॉक्टर साहब को लेकर के, तो एक तो डॉक्टर साहब थे, ठीक है, वो हो गया। अब अगले का देखते हैं, अगले कौन कौन थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टीटी कृष्णमाचारी, ये सारे सदस्य थे। अब यहाँ पे एग्जाम के क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम देखेंगे तो हम क्या पाते हैं एग्जाम के क्वेश्चन में, है तो 7 सदस्य लेकिन आपको कैरी करके लेके चलना पड़ता है 9 सदस्य को, यानी कि 7 सदस्य यहां पर सिर्फ ऐसे ही है, 9 सदस्यों को आपको याद रखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि एन माधव राव साहब तो बाद में आए थे, बीएल मित्र थे पहले, बीएल मित्र, अब बीएल मित्र थे तो उनके जगह पे एन माधव राव आ गए, टीटी कृष्णमाचारी बाद में आए, उनसे पहले डीपी खेतान थे, तो डीपी खेतान के बदले में टीटी कृष्णमाचारी आ गए। तो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप देखिएगा जो एग्जाम क्वेश्चन बनाया है, आप अगर सॉल्व किए होंगे तो बीएल मित्र और डीपी खेतान दे देते हैं, बीएल मित्र और डीपी खेतान दे देते हैं, पता है क्यों, जानते हैं क्यों दे देते हैं बीएल मित्र और डीपी खेतान, तो लोगों को ये याद है, ये दोनों को वो छोड़ देते हैं, जबकि ये दोनों भी प्रारूप समिति सदस्य रह चुके थे, हालांकि एक की मृत्यु हो गई और दूसरे का तबियत खराब हो गया, उसके बदले में ये दो लोग आए, ये अलग बात है, लेकिन थे तो आपको 7 के बदले 9 नामों को याद रखना पड़ेगा। और ऑफलाइन क्लासेस जब हम पढ़ाते थे, ऑफलाइन क्लासेस में हम हमेशा बच्चों को बताते हैं कि जब ये ऐसे पूछा जाए तो आप क्या ध्यान रखिएगा, एक डॉक्टर साहब को छोड़ करके जितने भी नाम होंगे वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होंगे, यानी इतिहास में आप या फिर इतिहास में बहुत ज़्यादा इन लोगों का नाम नहीं सुनेंगे, तो आप समझ लीजिए कि प्रारूप समिति के वो सदस्य हैं, ये बस ऐसे ही है, क्योंकि जो ऑप्शन बनाने वाला, जितना मैंने एग्जाम में सॉल्व किया है क्वेश्चन, चूंकि जानते हैं कि मैंने बहुत सॉल्व किया है क्वेश्चन, तो उसमें हमेशा ऑप्शन में ऐसा नाम दे देता है जो एकदम तुरंत दिख जाता है, बेटा तुम तो नहीं हो, जैसे जवाहरलाल नेहरू तुम तो नहीं हो, जैसे राजेंद्र प्रसाद तुम तो नहीं हो, जैसे कृपलानी ये तो नहीं है, जैसे कि क्या बोलते हैं सरदार पटेल ये तो नहीं है, तो ऐसे ऐसे नाम जब दे देंगे ना तो आपको तुरंत उसको इलिमिनेट कर देना है ऑप्शन से, नहीं नहीं तुम तो नहीं हो, वैसे नाम हो जो कि यहाँ पे थोड़ा सा है ना इतिहास में बहुत ज्यादा एक्टिव नाम ये लोग नहीं है इतिहास में, डॉक्टर साहब को छोड़ करके, तो डॉक्टर साहब को तो आप पहले से जानते हैं, तो गोपाल स्वामी अय्यंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टी टी कृष्णमाचारी,
बीएल मित्र और डीपी खेतान, इन दोनों के बदले में ये दोनों आए थे। ये सारी बातें अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिएगा और कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, एग्जाम के क्वेश्चन में गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बीएल मित्र और डीपी खेतान को ऑप्शन जरूर बनाएंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा आपसे गलती करवाने के लिए। तो ये प्रारूप समिति थे, इसको आप समझिएगा, और डॉक्टर साहब को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये बात भी आप समझिएगा। आगे भी डॉक्टर साहब की बात हम लोग करते हुए चलेंगे। चलिए, अब चूंकि हमने आपसे पहले कहा था, क्या कहा था कि हमारा जो पूरा का पूरा पॉइंट है वो ये है कि संविधान का निर्माण तो हो ही रहा था, यानी कि संविधान का निर्माण तो हम लोगों ने कर लिया था, साथ में इंतरिम गवर्नमेंट को भी हम लोगों ने बनाया था, अंतरिम सरकारी बनाया था जो देश में सरकार चला रहे थे उस समय, ठीक है, ये भी बात हम लोगों ने किया था। तो जब हम दोनों बातें यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमें ये देखना है कि इंतरिम गवर्नमेंट में कौन कौन थे, जो कि एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है, और जब भारत आजाद हुआ था तो कौन कौन रिप्लेस हुआ। देखिए, ये दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ रख दिया हूं। एक साथ रखने के पीछे कारण क्या है, रिलेशन। एक साथ रखने के पीछे का कारण है रिलेशन, हम यहां पे रिलेशन बैठा रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को जोड़ रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। कैसा रिलेशन है वो देखिए, पहले अंतरिम सरकार की बात कर लेते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट 1946 की बात कर ले, 1946 में जवाहरलाल नेहरू क्या थे, हमारे प्रधानमंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल क्या थे, गृह और सूचना एवं प्रसारण, यानी कि हम लोग ग्रह लिख दिया मैंने, ये गलत है, सॉरी, गृह और सूचना एवं प्रसारण, अगर बर्तनी में कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में कभी कभी ऐसा हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि थे, ये बात 1946 में हो रही है, बाद में चल करके तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, लेकिन आगे भी जब आजादी के बाद भी जब गवर्नमेंट बनाया गया था तो वहां भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रिटेन किया गया था, यानी कि वही मंत्रालय दिया गया था, ठीक है। राजगोपालाचारी को शिक्षा और कला दिया जाता है, अब नए वाले गवर्नमेंट में आप देखिएगा जो शिक्षा और कला है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद को दे दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आजाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे हैं। तो ये पहले थे किसके, फ्री इंडिया के, भारत स्वतंत्र भारत के, और ये अंतरिम गवर्नमेंट के है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन जब पूछेंगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि वहां पे आपको स्पष्ट रूप से बता देगा कि इंतरिम गवर्नमेंट और आजादी, यानी पहला, जैसे ही पहला हो तो आप भारत की आजादी की बात कर लीजिएगा, और जैसे ही इंतरिम गवर्नमेंट की हो तो क्वेश्चन में आपको लिख देगा अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, अंतरिम सरकार में तो वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे अंतरिम सरकार में। तो ये बात ध्यान में आप रखिएगा, यही लियाकत अली खान पाकिस्तान जाने के बाद वहां के शायद प्रधानमंत्री बनते, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लियाकत अली खान जो वित्त मंत्री है हमारे अंतरिम सरकार में। अब देखिए, भारत आजाद नहीं हुआ है, बंटवारा हमारा नहीं हुआ है, मुस्लिम लीग के सदस्य हमारे यहां है, देखिए लियाकत अली खान है, जोगिंद्र नाथ मंडल है, मुस्लिम लीग के गफार अली खान है, तो मुस्लिम सदस्य के लोग हमारे यहां है, लेकिन मुस्लिम सदस्य के लोगों को क्या मंत्रालय दिया गया, सॉरी मुस्लिम लीग के सदस्य के लोगों को क्या मंत्रालय दिया गया है वो आप देखिएगा, मुस्लिम लीग में बोल रहा हूं बार-बार, ठीक है, अगर कोई गलती हुआ तो माफ कर दीजिए। तो यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, दूसरा यहां पे फर्स्ट गवर्नमेंट यानी कि आजादी के बाद की सरकार, वहां पे देखिए वित्त मंत्री किसको बना दिया गया, आर के सन्नमुखम चेट्टी को वित्त मंत्री बना दिया गया। जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं, खास करके बैंकिंग वगैरह में, तो आपको जानता है कि आर के सन्नमुखम चेट्टी, जो सन्नमुखम चेट्टी वो हमारे पहले वित्त मंत्री के रूप में काम करते हैं, तो पहले वित्त मंत्री हमारे सन्नमुखम चेट्टी होते हैं, लेकिन जब इंटरिम गवर्नमेंट की बात होती है तो हमारे वित्त मंत्री कौन होते हैं, लियाकत अली खां होते हैं, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप देखिए कानून मंत्री, इसको लॉ मिनिस्टर कहते हैं, जोगिंद्र नाथ मंडल होते हैं, जोगिंद्र नाथ मंडल किसमें, इंटरिम गवर्नमेंट में, लेकिन जब भारत में सरकार बनती है तो हमारे कानून मंत्री कौन होते हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर बी आर अंबेडकर हमारे कानून मंत्री होते हैं। जोगिंद्र नाथ मंडल और बी आर अंबेडकर, इस दोनों को लेकर के जो उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट है, सॉरी उत्तर प्रदेश के जो विधानमंडल है वहां पे एक भाषण दिए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अभी भी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री,
तो उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कि हम दो बातें बताते हैं, एक जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में और एक डॉक्टर भी आर अम्बेडकर के बारे में। तो जोगेंद्र नाथ, जब भारत आजाद हुआ और पार्टीशन हुआ तो जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान चले गए, वो वहां पे चले गए, इनको कुछ लोग दिया गया होगा चाहे जो भी हो, वो पाकिस्तान चले गए और ये बी आर अम्बेडकर साहब हमारे देश में रहे। अच्छा, दोनों को उदाहरण किस लिए दिए, दोनों कानून मंत्री थे, ठीक है, और इनको भारत का पिता कहा गया कानून बनाने में और ये भी वहां पर पाकिस्तान में कानून बनाने में बड़ा योगदान दिए थे। तो ये बात था। फिर जोगेंद्र नाथ मंडल वहां पर रहते रहते, पाकिस्तान में रहते रहते, ये देखते हैं कि यहां पर लोगों के साथ ज्यादती हो रहा है, खास करके एक विशेष वर्ग के लोगों के साथ, मैं बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं करूंगा, एक विशेष वर्ग के लोगों के साथ ज्यादती हो रहा है। तो ये बड़े नाराज हुए जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है, नाराज ये भी थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के सामाजिक व्यवस्था को लेकर के। ये सच्चाई बात है जिसको हम एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करना चाहिए हमारे बीच में। तो ये भी अपने स्तर पर नाराज थे सामाजिक व्यवस्था को लेकर के, लेकिन जब बात देश की आती है, जब बात देश की डेवलपमेंट की आती है तो सब कुछ पीछे छूट जाता है। हम देश के लिए हैं अंबेडकर जी, हम देश के लिए हैं, देश से बड़ा कुछ नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बी आर अंबेडकर साहब, जोगेंद्र नाथ मंडल भी वहां पे उन्होंने काम किया, लेकिन उनकी नाराजगी वहां पर जब थी तो वो पाकिस्तान छोड़कर के भारत आ जाते हैं और गुमनामी के जीवन में उनकी मृत्यु हो जाती है जोगेंद्र नाथ मंडल जी की। बी आर अंबेडकर साहब भारत में रहते हैं, गुमनामी की मृत्यु इनकी नहीं होती है अंबेडकर साहब की, इस बात को ध्यान रखिएगा। डॉक्टर साहब को भारत रत्न भी दिया गया है, भारत रत्न तो बहुत बाद में दिया गया, चलिए छोड़िए, डॉक्टर साहब को भारत के संविधान का पिता कहा गया और इनको लेकर के हमेशा जयंती मनाई जाती है, लोग बड़े सम्मान के साथ इनका हर शहर में इनके चौराहे पे तस्वीर लगी हुई है संविधान के साथ, और देश को एक ऐसा पूरा का पूरा किताब दे दिया है जिसके बेस पे पूरा देश चल रहा है, पूरी देश की इकोनॉमी भी चल रही है, पूरे देश की व्यवस्था चल रही है, हर चीज है। तो इनका बड़ा सम्मान है हमारे देश में, आपको मालूम है, रहा है और आगे रहेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों में एक कंपेरिजन था कानून के लेकर के और इस चीजों को लेकर के। खैर चलिए, जगजीवन राम को शर्म था, आगे जब जगजीवन राम भारत में आजादी के बाद उनको भी श्रम ही दिया गया था, यानी इनको रिटेन किया गया था, ठीक है, जगजीवन राम को। अब यहां पे आसफ अली को रेलवे यहां पे दिया गया था, यहां शायद आसफ अली को रिटेन नहीं किया गया, आसफ अली को रिटेन नहीं किया गया, यहां पे आसफ अली को इंटरिम गवर्नमेंट में रेलवे था। ध्यान एक बार देखिएगा, हाँ, सरदार सरदार बलदेव सिंह रक्षा में थे, और यहां पर भी आप देखिएगा कि सरदार बलदेव सिंह रक्षा में ही होंगे, तो जो रिटेन किए गए ना उनको जरूर याद रख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आते हैं, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू दोनों जगह प्रधानमंत्री हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्ट्री है और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि है, एग्रीकल्चर और फूड है, ठीक है ना। श्री राजगोपालाचारी यहाँ पर शिक्षा है, लेकिन यहाँ पे मौलाना आजाद शिक्षा में आते हैं और ये एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। लियाकत अली खां वित्त में आते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना है, VBI है, और सन्ना मुखम चेट्टी भारत में वित्त में आते हैं जब भारत आजाद होता है तब, यानी कि सरकार बदलने के साथ, तो ये बदलाव एक दिखता है राजगोपालाचारी के समय, बदलाव दिखता है कि शिक्षा में मौलाना आजाद को देख जाते हैं हमें, कानून में जोगिंद्र नाथ मंडल की जगह हमारे यहाँ बी आर अम्बेडकर आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कई बार ही, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सरदार बलदेव सिंह रक्षा में थे, जगजीवन राम श्रम में थे, ये दोनों रिटेन किए गए थे, तो यहाँ पे ये रिटेन वाले लोग हैं, यहाँ पर भी ये रिटेन वाले लोग हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो रिटेन वाले लोग हैं मैं उनपे एक बार ऐसे करके कलम चलाया था, रिटेन है, ठीक है, उसके बाद रिटेन है और सरदार पटेल भी रिटेन, मतलब एक ही पोर्टफोलियो के साथ इनको लाया गया, आगे चल करके कुछ पोर्टफोलियो में चेंज करके किया गया होगा वो अलग बात है, लेकिन इनको एक ही पोर्टफोलियो से लाया गया। जैसे जॉन मथाई को रिटेन तो किया गया लेकिन इनका पोर्टफोलियो बदल दिया गया, जॉन मथाई यहां पे उद्योग दिखाई देता है लेकिन जॉन मथाई को यहां पे रेलवे दे दिया गया जो कि कभी आसफ अली को दिया गया था, तो जॉन मथाई को क्या दे दिया गया, रेलवे, इनको वापस बुलाया गया लेकिन इनकी जो मिनिस्ट्री है वो बदल दिया गया, और यहां पर जो मैंने निशान लगाया है उनकी मिनिस्ट्री नहीं बदली है। VBI में निशान बना दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लियाकत अली खां बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, कई बार ही पूछा है, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में पूछा है, श्रम और रक्षा खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। तो ये थे हमारे इंटरिम गवर्नमेंट और ये थे फर्स्ट गवर्नमेंट। अब आप बोलिएगा कि सर ये सारे गवर्नमेंट में सबका नाम तो नहीं बताया मैंने, बोल के लिखा हुआ सबका नाम है, आप देख लीजिए, छाप लीजिए, जैसे करना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मर्जी है,
मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। जहां मुझे समझाना था मैंने आपको समझा दिया, बाकी हमको देख के ही पढ़ना होगा और आप भी देख के पढ़ सकते हैं, तो हम इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे, कोई इसमें बात नहीं करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में, यानी कि हम कहां से क्या लिए हैं, यानी कि संविधान के निर्माण में कहां कहां से हम क्या क्या टपाए हैं, किस किस देश से टपाए हैं, वो बात हम यहां पे देखते हैं कि कहां कहां से क्या टपाए हैं। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत की बात यहां पे हम लोग कर लेते हैं। तो जब सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो भारत सरकार अधिनियम यानी कि 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, VBI है। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, 1935 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा स्रोत है 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है और ध्यान में रखिएगा, और वैसे भी जितने भी मैंने यहाँ पे बातें लिखी है वो सब एग्जाम में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और एक चीज और, जो भी चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा वो सारी चीजें मैं आगे आने वाले समय में, जब तक हमारा पॉलिटी का क्लास चलेगा, एक एक चीज को हम आपको समझाएंगे, समझाने बिना हमारा पूरा नहीं होगा, एक एक चीज पढ़ने वाला है। कहने का मतलब यह है कि इसमें से एक एक चीज एक तरीके का टॉपिक है आपका जिसको हमको पढ़ेंगे, और अगर आप मेन टॉपिक की बात करें जो पार्ट हम पढ़ाएंगे वो भी एक एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है, तो हमने आपको टॉपिक दे दिया कि हम इसको बेटा पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन बताने के लिए तो हमें बताना पड़ेगा। चलिए ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया है वो देखते हैं। तो ब्रिटिश संविधान से हमने लिया है संसदीय सरकार, कि संसदीय सरकार होगी, कानून का शासन होगा, कानून के अनुसार से शासन चलाया जाएगा, एकल नागरिकता की बात करेगी, सिंगल सिटीजनशिप की बात करेंगे कि भारत में एकल नागरिकता होगा, दोहरी नागरिकता नहीं होगा, यानी कि केंद्र की नागरिकता और राज्य की नागरिकता दोनों नहीं होंगे, और किसी विदेशी देश का नागरिकता, दूसरे देश की नागरिकता और भारत की नागरिकता दोनों बात यहाँ पे नहीं होगा। कैबिनेट प्रणाली की बात होगी, सरकार चलाने के लिए मंत्रिमंडल जैसे सब चीजों को हम लोग अडॉप्ट करेंगे, और द्वि सदनीय व्यवस्था होगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा हम सरकार चलाएंगे, और प्रांतों में विधानसभा और विधान परिषद के रूप में, लेकिन भारत के सभी प्रांतों में विधान परिषद नहीं पाए जाते हैं, ये बात जानते हैं। तो द्वि सदनीय व्यवस्था सेंटर में तो लागू है लेकिन स्टेट में ये ऑप्शनल है, स्टेट में ये ऑप्शनल है, याद रखिएगा कि भारत के सभी राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। चलिए तो यहां से हम लोग बात कर लिए, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, ये सारे चीजों को जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो फिर से मैं आपसे बात करूंगा, फिर से मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, तो रिवीजन के लिए आप चिंता मत कीजिए, रिवीजन क्लास में कराएंगे हम, एग्जाम के क्वेश्चन क्लास में सॉल्व हो रहा है, मैं आपको बताते चल रहा हूं कि कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। आप सिर्फ एक घंटा दीजिए ना, एक घंटा दीजिए, और जीएस तैयार करना हमारा काम है, हम तैयार करा देंगे जीएस, ये आपको वादा करते हैं। चलिए ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट हम लिए हैं, जानते हैं कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है फंडामेंटल राइट से। जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू क्या कहते हैं, तो देखिए जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि अगर न्यायपालिका को ये लगे कि कोई भी कानून भारत के व्यवस्था के अनुसार सही नहीं है तो उस कानून पे न्यायपालिका रोक लगा सकती है, उसकी समीक्षा कर सकती है, उस पे उंगली उठा सकती है, उसमें चेंज करने के लिए कह सकती है, यह जुडिशियल रिव्यू है, बात खत्म, ठीक है। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को आप हटा सकते हैं उनके पद पे, इंपीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, यह बात हमें यहां पे लिखा हुआ है, तो राष्ट्रपति को उनके पद से आप हटा सकते हैं, यह बात हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, और आप जानते हैं कि भारत में किसी भी राष्ट्रपति को अभी तक इंपीचमेंट नहीं लगाया गया है, यह एग्जाम का क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति का पद और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, यह सारे अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जानते हैं अमेरिका में उपराष्ट्रपति अभी कमला हैरिस है, जो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, आप जानते हैं। चलिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, डीपीएसपी मैंने लिख लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश वाले बच्चे उसको लिख लीजिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। उसके बाद हमने राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, जो नॉमिनेशन होता है राज्यसभा में सदस्यों का, वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, डीपीएसपी से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बात आप ध्यान में रखिएगा।
यहाँ ऐसा बात याद रखिएगा कि आपको लग रहा होगा कि सर सिर्फ देख के पढ़ रहे हैं, मैं कुछ कुछ बातें समझा रहा हूँ, मोस्टली मैं देख के पढ़ रहा हूँ, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन इस बात को ही मैं जानता हूँ कि अगर पॉलिटी की क्लास अगर आप करते रह गए मेरे से तो जो बातें यहाँ पे लिखा हुआ है ना सब बात आपको याद हो जाएगा, स्पेशली इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जाके घर पे रट्टा मारे, मैं जिस तरीके से कहता हूँ ना उस तरीके से पढ़ते चले जाइए, आपको ये सब याद होते चला जाएगा, विश्वास रखिए। समय तो देना पड़ेगा, देखिए टाइम आपको देना पड़ता है हर चीज के लिए, इसमें कोई बात नहीं है कि छड़ी घुमाया और कुछ जो फिल्मों में दिखाया जाता है या जादूगर टाइप के कुछ ऐसा काम कर जाते हैं, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। हम अगर ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, तो हमें समय देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो संघ फेडरेशन हमने कनाडा के संविधान से लिया है, और अवशिष्ट शक्तियां रेसिड्यूरी पावर, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, कई बारी, और बच्चे गलत करके आ जाते हैं, कई बारी एग्जाम में क्या पूछा हुआ है कि संघ जो है ना हम कहां से लिए हैं, तो लोग यूएसए मार के आ जाते हैं, हिंदी में खास करके जो फेडरेशन देखते हैं तो उनको लगता है यूएसए, नहीं, हमारा जो संघ है यानी भारत का जो संघ है वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है संघ। तो संघ कहां से लिया गया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्वाइंट सिटिंग से, मैं सबको मिटा दूं, आपको दिखाई दे रहा होगा, संयुक्त बैठक से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कहां के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और समवर्ती सूची के बारे में बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संयुक्त बैठक क्या होता है, तो किसी भी विधेयक पे अगर दो सभाओं के बीच में, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, दो सभाओं के बीच में गतिरोध हो जाए, दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, तो उस दोनों को एक साथ बैठा करके और सॉल्यूशन निकालते हैं, और ये काम राष्ट्रपति का है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाते हैं, दोनों सभाओं को बुलाते हैं, बैठक करते हैं, बिल पे चर्चा करवाते हैं, लेकिन उस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और यहाँ पर जो बातें मैंने बताया, यहाँ से एग्जाम के तीन क्वेश्चन निकलते हैं और तीनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे समझाए हुए बात को आप कैसे लिखते हैं। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, हालांकि बाद में बात फिर से करूंगा, मैं जैसा कि बोला कि मैं जो भी अभी पढ़ा रहा हूँ मैं बाद में फिर से बताऊंगा, और बताते हुए एक रिवीजन होगा, तो रिवीजन के लिए चिंता मत करना, आप सिर्फ मेरे क्लास के साथ जुड़े हुए रहिए, सिर्फ आप मेरे क्लास के साथ जुड़े हुए रहें, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि सोर्सेस, यानी कि अगला सोर्स क्या है, अगला सोर्स हमारा यूएसएसआर, आप जानते हैं कि हमने यूएसएसआर की बात किया है कितना सारा, तो यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं, मौलिक कर्तव्य, आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में बाद में जोड़ा गया है, और ये पार्ट 4A के अंतर्गत हमें दिखाई पड़ता है, ए के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट था, मौलिक कर्तव्य को उसी समय जोड़ा गया है, आप जानते हैं कि 11 कर्तव्य है, शुरू में 10 कर्तव्य थे, सारी बात हम बताएंगे कि शुरू में कितने कर्तव्य थे, 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया, क्या है 11 कर्तव्य, 1 से 10 तक क्या कर्तव्य है, सब बात बताऊंगा मैं, सब बात बताऊंगा। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि क्या जोड़ा गया है, तो फेटर्निटी यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वालिटी, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये सारे फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है, खास करके फ्रांस के जो रिवॉल्यूशन है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत के संविधान में या भारत के जो प्रस्तावना है उसमें कौन सा शब्द फ्रांस के क्रांति से लिया गया है, वहां पर फ्रांस का संविधान शब्द नहीं जोड़ेगा बेटा, याद रखना, क्या कहता है, फ्रांस का संविधान नहीं कहता, कहता है फ्रांस की क्रांति से लिया गया, अब देखो शब्द बदल दिया, अब आप सोचेंगे हम तो पढ़े थे फ्रांस की संविधान, यहां पर पूछ रहा फ्रांस की क्रांति, तो ध्यान रखिएगा फ्रांस की क्रांति बंधुत्वता और समानता पे ही फ्रांस की क्रांति पूरी की पूरी टिकी हुई थी, यानी कि इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पे ही फ्रांस की क्रांति पूरी चल रही थी, अगर आप फ्रांस की क्रांति पढ़े होंगे तो, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है, मैं तो पढ़ाऊं, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जगह रिवॉल्यूशन डाल दे, क्रांति डाल दे, तो भी फ्रेटर्निटी ही आप टिक करेंगे, तो भी इक्वालिटी ही आप टिक करेंगे, और ये हमारे प्रस्तावना में दिख जाता है, फ्रेटर्निटी इक्वालिटी। चलिए ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है, संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में संशोधन हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं, और राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव, यहां पर भी ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे एक कंफ्यूजन है जो मैं आपको बता दूं, हमने बताया था आयरलैंड, आयरलैंड बताया था, और दूसरा बता रहे हैं हम साउथ अफ्रीका, दो बात बता रहे हैं, और दोनों में राज्यसभा से जुड़ी हुई एक चीज है, राज्यसभा से जुड़ी हुई एक चीज है दोनों में,
ध्यान रखिएगा, जब हम आयरलैंड की बात कर रहे थे तो वहां पे मनोनयन की बात हुई थी, यानी मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत नॉमिनेशन की बात हुई थी आयरलैंड के साथ में, नॉमिनेशन। लेकिन जब साउथ अफ्रीका की बात होते हैं तो यहां पे इलेक्शन की बात होती है, इलेक्शन। यानी कि क्या होती है, देखो राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। लेकिन जब आप आयरलैंड की बात करेंगे तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा होगा आयरलैंड में। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्वेश्चन फंसा सकता है और आपको लगेगा कि अरे साउथ अफ्रीका में पढ़े थे ना हम, नहीं आयरलैंड में पढ़े थे नॉमिनेशन और साउथ अफ्रीका में पढ़े थे इलेक्शन, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम का एक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो जर्मनी से आप इमरजेंसी लिया है। नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछते हैं, हम जनरल इमरजेंसी टिक करके आ जाते हैं। यहाँ पे दो बातें हम बताएंगे, पहला एग्जाम का क्वेश्चन वो ये है कि बीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ के संविधान को कहा जाता है, तो जर्मनी के संविधान को। ये पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, इसको कभी भी गलत करके नहीं आइएगा, इसको तो आप याद रख लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा है सैकड़ों बार कि बीमर कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो जापान के संविधान को बीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, सॉरी जर्मनी के संविधान को बीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, एक। और दूसरी बात जो एग्जाम का क्वेश्चन है, जो दूसरी बात एग्जाम का क्वेश्चन है वो ये है कि ये आपात व्यवस्था कहां से लिया था, तो जर्मनी से। नॉर्मली यही कह लेते हैं, लेकिन आपके किताबों में कहीं कहीं देखा हुआ मिल जाएगा कि हमने आपातकालीन व्यवस्था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है आपातकालीन व्यवस्था। तो जर्मनी से क्या लिया है, तो जर्मनी से लिया है कि आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट, आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट के निलंबन की बात हमने जर्मनी से लिया है। ये बात मैं आपको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रिफाइन तरीके से बता रहा हूं। नॉर्मली एग्जाम के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और उसका आंसर भी यही है, ध्यान रखिएगा आपात व्यवस्था कहां से, जर्मनी से। लेकिन रिफाइन ये है कि आपात व्यवस्था 1935 के हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए हैं, 1935 के 1935 के भारत सरकार अधिनियम से, लेकिन आपातकाल में मूल अधिकार का निलंबन हमने जर्मनी से लिया है। तो नॉर्मली लोग आपात व्यवस्था जर्मनी से जोड़ लेते हैं और एग्जाम का क्वेश्चन भी कई बार बना है, तो हम भी यहाँ पे आपातकाल इमरजेंसी से लिख देते हैं। एग्जाम के क्वेश्चन से अलग हम कैसे जा सकते हैं और आपको हम गलत इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचा सकते हैं, दोनों जिम्मेवारी मेरे ऊपर में है, तो दोनों बात मैंने आपके साथ कर लिया है। आप एग्जाम का क्वेश्चन बनाते समय मेरी बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए तो ये तो हो गया हमारा सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पे सोर्स भी हम कर लिए, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के जो भाग हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि सोर्स और पार्ट दोनों ही हमारा एक तरीके का क्या होगा, दोनों ही हमारा एक तरीके का पूरी व्यवस्था होगी जिसके हिसाब से हम चलेंगे, अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे कि हाँ हमने ये पढ़ लिया। जैसे कि आप जब मैं पढ़ाऊंगा और कुछ चीजें अगर छूट रही होंगी तो आप सोर्स से उसको रीचेक करेंगे, अच्छा ठीक है देखते हैं आपातकालीन व्यवस्था पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, अगर पढ़ाया तो सोर्स में जाके टिक कर लेंगे आप, हाँ पढ़ा दिया सर, और पार्ट में भी टिक कर लेना, हाँ आपात व्यवस्था पढ़ा दिया। अच्छा राष्ट्रपति पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट, राष्ट्रपति को का पावर, तो आप राष्ट्रपति टिक करेंगे पार्ट में भी आकर के और सोर्स में भी जाकर देखेंगे कि राष्ट्रपति के ऊपर सोर्स में क्या पढ़ाया, तो राष्ट्रपति के ऊपर सोर्स में महाभियोग पढ़ाया तो वहां पर टिक कर लेंगे कि हाँ ये पढ़ा दिया। तो ये दोनों चीजें आपका एक तरीके का सिलेबस भी है, इन्फॉर्मेशन है एग्जाम का और सिलेबस भी है। ये किसी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है, मेरी बात समझिएगा, पॉलिटी छोड़ करके किसी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है कि जो आपका इन्फॉर्मेशन एग्जाम का क्वेश्चन भी बन जाए और आपका सिलेबस भी बन जाए, क्योंकि सिलेबस तो बस मोटा मोटा होता है जिसके अंदर हमें पढ़ के एग्जाम के क्वेश्चन निकालना होता है, यहाँ पर सिलेबस ही एग्जाम के क्वेश्चन बन जाते हैं। ये पॉलिटी को छोड़ करके किसी सब्जेक्ट में नहीं होता है, अमूमन बात कर रहे हैं, अगर कभी किसी को मिल जाए तो मिल जाता है, तो हमको गलत मत ठहराइए, कुछ चीजें पढ़िए, ठीक है। चलिए तो हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि भाग पढ़ रहे हैं, भाग संविधान का भाग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं पहले पार्ट में क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे क्योंकि जैसे ही अगला स्लाइड करेंगे वो हिंदी में है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग में पहला है संघ और उसके क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड टेरिटरी पहला है। दूसरा है नागरिकता, सिटीजनशिप, कहां से लिया गया है नागरिकता बताओ, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है ना, मैंने आपको क्या कहा, रिवीजन हो रहा है रिवीजन, ब्रिटेन से लिया गया। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, भाग तीन। यहां पे एक बात रखिएगा कि जहां पे जो भाग होगा ना वहीं पे वो भाग के साथ वो चीजें आप
वहीं पे वो भाग के साथ आप चीजों को देखिएगा, ठीक है। इसको आप जो है ना अलग मत कीजिएगा कि भाग तीन में हम कुछ भी कर दिए और भाग चार में, ये जो लिखा हुआ है नंबरिंग उसी के साथ वो पॉइंट भी लिखा हुआ उसको याद रखिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक है संघ और उसके राजक्षेत्र यूनियन एंड टेरिटरी है, दूसरा है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप है, तीसरा है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट है, चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी जो भाग चार में है, चार ए में है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि इसको बाद में जोड़ा गया है इसलिए यहाँ पे देखिए क्या लग गया, ए। ध्यान रखिएगा जहां कहीं भी कुछ चीजें लग जाती है ना, जिसको बोलते हैं ना स्टेपनी, जहां लग जाए वो बाद में जोड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पार्ट 4A मौलिक कर्तव्य है, 5 केंद्र सरकार है, 6 राज्य सरकार है, याद रखना बड़ा आसान है, ठीक है, इसको याद रखना बहुत आसान है, हालांकि इससे हम पढ़ेंगे भी लेकिन इसको याद रखना बहुत आसान है। कैसे, मैं बताऊंगा। 7 को समाप्त कर दिया गया, इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है। 8 है केंद्र शासित प्रदेश, 9 है पंचायत, 9 का यह है नगर पालिका, 9 के बी है सहकारी समिति, 10 है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, 11 है संघ और राज्यों के बीच में संबंध, 12 इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वित्त संपत्ति अनुबंध और सूट, 12 इंपॉर्टेंट नहीं है, 13 राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और संभव, ये इस राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य है, यहाँ पे 13 इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, 14 बहुत इंपॉर्टेंट है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 14 का ए जो लग गया या न्यायाधिकरण जिसको हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, 15 इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, 16 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, 17 बहुत इंपॉर्टेंट है राजभाषा, 18 आपातकाल इंपॉर्टेंट है, 19 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 20 बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान में संशोधन, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान इंपॉर्टेंट नहीं है, 22 इंपॉर्टेंट नहीं है, संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ आधिकारिक पाठ हिंदी, और ये सारी बातें हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट और नहीं इंपॉर्टेंट की बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले देखो पार्ट 1 क्या लिखा हुआ है, संघ और उसके राजक्षेत्र यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 में क्या होगा नागरिकता, पार्ट 3 में मौलिक अधिकार, पार्ट 4 में क्या है डीपीएसपी, पार्ट 4 के ए में क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज दिख रहा है ना, पार्ट 5 में क्या है संघ, पार्ट 6 में क्या है राज्य, यहाँ पे दिख रहा है राज्य, 7 क्या है कुछ नहीं, 8 में क्या है केंद्र शासित प्रदेश, तो 5, 6, 7, 8 तो याद रखना बड़ा आसान है, 5 में संघ, 6 में राज्य सरकार, 7 कुछ नहीं, 8 में संघ शासित प्रदेश, 9 में क्या है देखिए पंचायतें, 9 के ए में क्या है देखिए 9 में पंचायतें, 9 के ए में नगर पालिका, 9 के बी में क्या है सहकारी समिति, सहकारी समिति में ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना है लेकिन अभी बन सकता है क्योंकि एक नया मंत्रालय भारत सरकार बनाया है सहकारिता मंत्रालय, और उस मंत्रालय का जो हेड है वो है हमारे क्या बोलते हैं उसको मोटा भाई यानी कि अमित शाह जी उसके हेड हैं, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकता है। 10 क्या है अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्र, ठीक है। 11 संघ और राज्य के बीच में संबंध, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार क्वेश्चन पूछा है। 12-13 इंपॉर्टेंट नहीं है। 14 क्या है अधीन सेवाएं, 14 के ए क्या है ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायाधिकरण, यहाँ पे देखिएगा 15 चुनाव, 17-18 राजभाषा आपातकालीन व्यवस्था, और 20 है आपका संविधान का संशोधन, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इधर के सबको इंपॉर्टेंट बना लीजिए और इधर में जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस तरीके से हम पढ़ेंगे भी इसी तरीके से, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वही हम आप तक पहुंचाएंगे, उसी को लेकर के हम बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा भाग, ठीक है, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं अनुसूची, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अनुसूची कितने थे, तो शुरू में 12 सॉरी अभी कितने अनुसूची है तो 12 है, अभी ये एग्जाम का क्वेश्चन है कई बार पूछा है, हालांकि बहुत बार मैंने एग्जाम का क्वेश्चन को वीवीआई अभी तक नहीं लगाया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, जो इंपॉर्टेंट मैंने पार्ट में किया था वो एग्जाम का क्वेश्चन ही है, तो इसको भी आप ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए अनुसूची वीवीआई है कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। शुरुआत में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो कितने शेड्यूल थे, 8 थे, 8 यहाँ पर वो बात लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, कितने शेड्यूल थे शुरुआत में, तो 8 शेड्यूल थे। तो कौन कौन से शेड्यूल को जोड़ा गया इंक्लूड किया गया, तो 9, 10, 11, 12 ये 4 शेड्यूल को बाद में क्या किया गया जोड़ा गया अलग अलग संविधान संशोधन से, वो बात हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा संविधान में कितने शेड्यूल है अभी, 12 शेड्यूल है, शुरुआत में कितने शेड्यूल थे तो 8 शेड्यूल थे, कितने शेड्यूल को जोड़ा गया बाद में चल करके, तो 4 शेड्यूलों को जोड़ा गया, 8 और 4, 12 हो जाता है ना, तो 4 शेड्यूल को क्या किया गया जोड़ा गया। अब आगे एक बार ध्यान रखिएगा समझ लीजिएगा, ठीक है,
एक एक शेड्यूल करके हम लोग बात करते हैं, एक एक शेड्यूल करके। शेड्यूल वन एक क्या है, राज्य और संघ क्षेत्र। ये भाग एक के जैसा ही कुछ दिख रहा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उस तरीके से राज्य और संघ क्षेत्र ये कुछ ऐसा ही है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, शेड्यूल वन, शेड्यूल वन है कितने स्टेट है और कितने यूनियन टेरिटरी है। कमेंट करके बताओ तो जरा, कितने स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसका जवाब जरा सा हम चाहिए हमें आपसे। कमेंट करके बताना जरा कितने स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है। गलती मत लिखना, मतलब गलती नहीं लिखने का मतलब यह है कि कहीं अलग सोर्स से मत देखना, तुमको कितना याद है वो मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए शेड्यूल टू की है, क्या है, सैलरी और अलाउंस। अब यहाँ पे बात यह है कि वेतन और भत्ते, हिंदी में लिखा हुआ है वेतन और भत्ते, किसके वेतन भत्ते, किसके वेतन भत्ते। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंग्लिश में, हिंदी वाले बच्चे भी इसको ध्यान रखेगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, फिर से वही सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जो जज होते हैं, कैग यानी कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, ईटीसी, यही है। हालांकि इतना ही है, कौन कौन है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति। अब जब सभापति की बात हो जाती है ना, तो ये सभापति कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। सभापति कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो राष्ट्रपति, गवर्नर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति यानी वाइस प्रेसिडेंट, सभापति, उपसभापति दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और सीएजी, इनकी सैलरी की बात होती है, यानी कि इनके वेतन और भत्ते की बात होती है। तीसरे नंबर पे ओथ है, ओथ किसका ओथ है, यूनियन मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ये इनका शपथ है, शपथ। चौथे नंबर पे है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए कि हमारे यहाँ जो सीटों का बंटवारा है, या उस समय से जो हम बताते हुए आए रहे थे कि सीटों की बंटवारा किस आधार पे है, तो जनसंख्या के आधार पे सीटों का बंटवारा है, जनसंख्या के आधार पे, याद रखिएगा इस बात को, जनसंख्या के आधार पे हमारे यहाँ सीटों का बंटवारा है, ये ध्यान रखिएगा। तो अनुसूची एक क्या है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दो क्या है वेतन, तीन क्या है शपथ, चार क्या है राज्यों में सीटों का बंटवारा, हो गया। ठीक है, चलिए आगे, पांचवा क्या है वो देखिए, बड़ा अच्छे से देखिएगा पांचवा छठा को, बहुत अच्छे से। पांचवा क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन, सिंपल, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन पांचवा है, और छठा भी यही बात है, लेकिन उसमें क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। आगे देखिए, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन छठे में क्या कर दिया गया है, एक स्टेट दे दिया गया है छठे में, और उस स्टेट को देने से बहुत सारा पॉइंट बन जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं बता दूं, जो नए वाला जो नागरिकता संशोधन आया था ना, जिसको लेकर कितना सारा शोर मचा, शाहीन बाग जैसे चीजें हुई, उसमें आप देखिएगा, उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि शेड्यूल सिक्स के अंतर्गत आने वाले जितने भी स्टेट हैं, वहां पे सी, जो नई नागरिकता कानून जिसको सीएए कहा गया, उसको लागू नहीं किया जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। तो शेड्यूल सिक्स के अंदर कौन कौन से स्टेट है, तो एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कुछ लोग एटीएम स्क्वायर से याद रखते हैं, एटीएम स्क्वायर से, हम एएमटीएम से याद रखते हैं, कुछ किसी तरीके से याद रखें, कैसे भी याद रख लो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद मत रख, गलती मत कर देना, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, क्योंकि म से एक और है मणिपुर, तो हो सकता है मणिपुर देकर के आपसे क्वेश्चन आए, बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बना हुआ है, क्या बना हुआ है कि चार ऑप्शन बना दिया कि इनमें से कौन शेड्यूल 6 के अंतर्गत नहीं आता है, तो मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम। अब असम को तो टिक कर लोगे, मेघालय, मिजोरम, पूरा मणिपुर में कहोगे, अरे यार ये तीनों मौसम, ये कौन आ गया, ध्यान रखिए। हो सकता है असम हटाकर अरुणाचल प्रदेश डाल दे, हालांकि असम इसलिए आप कर लेंगे क्योंकि बार बार पढ़ के आपको ध्यान में रहेगा कि असम है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा मेघालय, मिजोरम, मणिपुर में तो तुमको कंफ्यूज कर ही देगा, वो एकदम कर देगा, लिख लो कर देगा, ठीक है। वैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और उसकी राजधानी से परेशान रहते हैं, वहां के मुख्यमंत्री से परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको याद नहीं होता, परेशान किस लिए रहते हैं, वो कुछ करते हैं क्या, नहीं, आपको याद नहीं रहता है, क्योंकि उस समय आपको उधर ध्यान आपका नहीं जाता है। शुक्र है नए वाले गवर्नमेंट का, जो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की तरफ कुछ ध्यान दिया, ताकि अखबारों में उनका नाम आ रहा है, उनके बारे में बात किया जा रहा है।
और हमारे खिलाड़ियों का जो नॉर्थ ईस्ट से हमारे आते हैं, जो ओलंपिक मेडल लेके आते हैं, चाहे चानू हो, चाहे हमारे जो बॉक्सिंग के जो एकदम बिल्कुल पूरे भारत के स्टार हैं वो हो, तो कोई भी है जो मेडल लेके आते हैं हमारे लिए, तो शुक्र है उन लोगों का जो नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए एकदम बिल्कुल आसान बनता जा रहा है। नहीं तो बहुत सालों तक नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोग ऐसा उसको इग्नोर करके रखे थे जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको ध्यान में रखिएगा, शेड्यूल 6 के अंतर्गत आते हैं। शेड्यूल 7 द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम का क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। क्या है? सूचियां, सूचियां है, लिस्ट है, लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल 7 में। लिस्ट कौन कौन से? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब यहाँ पे आपको रिवीजन कराते हैं। कंकरेंट लिस्ट कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची को लिया गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ये तीनों को लिया गया है। अब यहां से एग्जाम के क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम बताते हैं कि संघ सूची में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में 100 विषय है, मूल रूप से 97 विषय था, याद रखिएगा। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं, मूल रूप से 66 विषय था, याद रखिएगा। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं, मूल रूप से कितने विषय थे? 47, याद रखिएगा। अब यहां पे मुझे बहुत सारी बातें बताना है तो मैं आपको थोड़ा सा अंदर लेके चलता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं शेड्यूल 7, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, परेशान नहीं होंगे, ठीक है। यहां पे मैंने क्या कहा? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे कानून कौन बनाएगा? यूनियन लिस्ट पे कानून बनाने का काम किसका है? यूनियन लिस्ट पे कानून बनाने का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि केंद्र सरकार कानून बनाने का काम करेगा यूनियन लिस्ट पे। यूनियन लिस्ट पे कितने सब्जेक्ट हैं? 100। मूल रूप से कितने सब्जेक्ट थे? 97, ठीक है। यूनियन लिस्ट के अंतर्गत कौन सा सब्जेक्ट आते हैं? मैं एक सब्जेक्ट का नाम लिख देता हूं, बाकी बहुत सारे हैं, डिफेंस, रक्षा। अब वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट के अंतर्गत, आप कुछ सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन बनाता है यूनियन लिस्ट पे कानून कौन बनाते हैं, और ये क्वेश्चन कहीं बना है कि कितने बार, कितने सब्जेक्ट हैं, तो 100 सब्जेक्ट है, मूल रूप से कितने थे, तो 97 थे, शेड्यूल 7 के अंतर्गत बात कर रहे हैं। उसके बाद यहां पे ध्यान रखिएगा, हम क्या बात कर रहे हैं यूनियन लिस्ट के बाद, दूसरा है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। यह संघ है, ये राज्य है, राज्य सूची। राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा? कौन बनाएगा राज्य सूची के सब्जेक्ट पे कानून? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा राज्य सूची के सब्जेक्ट पे कानून, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार बनाएगा, ठीक है। कितने सब्जेक्ट हैं? 61। मूल रूप से कितने थे? 67। मूल रूप से कितने थे? 67। एक बताओ, ठीक है, तो एक बताते हैं आपको स्थानीय प्रशासन, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हां स्थानीय प्रशासन लिख देता हूं मैं, लोकल गवर्नमेंट, ये राजसूची का विषय है स्थानीय प्रशासन। और भी बहुत सारे, पुलिस प्रशासन राजसूची का विषय है, पुलिस प्रशासन। तो पुलिस प्रशासन, राज्य में व्यवस्था बनाए रखना, राजसूची का विषय, स्थानीय शासन राजसूची का विषय है। कितने सब्जेक्ट है? 61। मूल रूप से कितने थे? 67, ठीक है। इसको एक बार मैं कंफर्म कर लूं, 61 67, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट हो गया, लिख लिया। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, यहीं पे लिख देता हूं मैं सारी पॉइंट को, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले समवर्ती सूची, कौन कानून बनाएगा समवर्ती सूची पे, कानून कौन बनाएगा? तो कानून बनाएगा राज्य सरकार, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट, और नहीं एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों कानून बनाएंगे, सेंट्रल और स्टेट दोनों। कितने सब्जेक्ट हैं अभी? तो सर 52 सब्जेक्ट हैं, 52, ठीक है। एक सब्जेक्ट का नाम बताया, एजुकेशन, शिक्षा, एजुकेशन, एक सब्जेक्ट का नाम बताता हूं। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मैं एक बार थोड़ा कंफर्म कर लूं, 52 है, 47 थे, ठीक है। मूल रूप से कितने थे? 47, यहां पे मूल रूप से 47 कर देता हूं, 47। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये तीनों लिस्ट से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं,
और तीनों लिस्ट को मैं एक बार आपके सामने में रख दिया हूं, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। शेड्यूल 7 है, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार बनाएगी, कानून बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा। 100 है डिफेंस, इसका एक एग्जांपल है। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। 61 है लोकल गवर्नमेंट, इसका एक एग्जांपल है। कंकरेंट लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों सरकार, दोनों कानून बनाएगी। 52 है एजुकेशन, उसका एक उदाहरण है, और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा है स्टेट लिस्ट से, ठीक है। चलिए अब स्टेट लिस्ट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि शेड्यूल 7 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं शेड्यूल 8। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। शेड्यूल 8 क्या कहता है? लैंग्वेज। शेड्यूल 8 कहता है भाषा। भाषा कितने भाषा है? 22 भाषा है अभी। कितने भाषा? हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। हाँ, भाषा है। कितनी भाषा है? 22। ओरिजिनली कितने भाषा थे? 14। ओरिजिनली 14, 14 भाषा थे ओरिजिनली, 14 भाषा। और अभी कितने हैं? 22। ओरिजिनली कितने? 14। तो कितने भाषा को ऐड किया गया? तो 8 भाषाओं को क्या किया गया? ऐड किया गया। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कितने भाषाओं को ऐड किया गया, तो आप क्या लिखेंगे? 8 भाषाओं को ऐड किया गया, 8 लैंग्वेज। अब यहां पे ये देखने की बात है कि कौन कौन सा वैसा 8 लैंग्वेज है जिसको ऐड किया गया और कब कब ऐड किया गया। थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक तो नहीं, लेकिन हाँ एक छोटा सा पॉइंट से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 21वें से ऐड किया गया, 21वें संविधान संशोधन से सिंधी को, 21वें से किसको ऐड किया गया? सिंधी से। 71वें से ऐड किया गया 3 भाषाओं को, कोंकणी मणिपुरी नेपाली को। 71वें से किनको ऐड किया गया? कोंकणी मणिपुरी नेपाली, समझ में आ गया। तो कितने थे? 14। कितने हो गए? 15, 16, 18। कौन से? 71वें से, 71वें। और ये किससे था? 21वें से। उसके बाद 92, इससे किसको ऐड किया गया? बोरो 19, डोगरी 20, मैथिली 21, संथाली 22। और भी भाषाओं के ऊपर बात चल रही है, हो सकता है ऐड हो जाए, तो इसको आप लिख लीजिएगा, करंट अफेयर्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए, अनुसूची 8 भाषाओं से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई बार ही। कितने भाषाएं थे ओरिजिनली? तो ओरिजिनली 14 भाषा ही थे मुख्य रूप से, मतलब जब संविधान बनाया गया था उस समय 14 भाषा ही थे, 14 भाषा को ही संविधान में जगह दिया गया था। अभी कितने भाषा को संविधान में जगह दिया गया? 22 भाषाओं को संविधान में जगह दिया गया अभी। कौन कौन भाषा को बाद में ऐड किया गया और किस संविधान संशोधन से? तो देखो, संथाली को 21वें संविधान संशोधन से, 71वें से कोंकणी मणिपुरी नेपाली से को, और 92वें संविधान से बोडो डोगरी मैथिली संथाली को। अब आप कहिएगा, सर आप इस तरीके से देख के बता दिए, इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। 91, 71, 92, 91, 91 जो भाषा के आधार पे जोड़े गए, सॉरी भाषा को जो जोड़ा गया संविधान में, वो एक ऑड नंबर के साथ जोड़ा गया। 21 ऑड है, एक लगा हुआ है, 71 ऑड है, एक लगा हुआ है, लेकिन तीसरे में 2 है, 112। और कई बार लोग ऐसे करके याद करके जाते हैं, ध्यान में रखिएगा 112, 21, 71, 92। और 21, 71, 92 21वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन और 92वें संविधान संशोधन से 8 भाषाओं को ऐड कर दिया गया, 8 भाषाओं को, जिसमें 21वें से एक ही भाषा था, 21वें से एक ही भाषा था सिंधी, लेकिन 71वें से 3 भाषा था, 3 भाषा, और 92वें से 4 भाषा थे, जिसमें मैथिली जो बिहार का एक इंपॉर्टेंट है, चूंकि मैं बिहार से हूं तो मैथिली और हमारी भाषा भी मैथिली है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। संथाली, डोगरी, बोरो, डोगरी जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, बोरो असम में बोला जाता है, कोंकणी आप जानते हैं कहां बोला जाता है, मणिपुरी भी आप जानते हैं नाम से ही, नेपाली भी आप जानते हैं, सिंधी भी जानते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भाषा के रूप में जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार भाषा से क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा वो देखिएगा कि 9th जो शेड्यूल है, 9वां शेड्यूल, चूंकि आप जानते हैं कि मुख्य रूप से कितने शेड्यूल थे? 8, अभी कितने शेड्यूल है? 12। इसका मतलब कितने शेड्यूल को ऐड किया गया? 9, 10, 11, 12, 4 शेड्यूलों को ऐड किया गया। तो 9वें शेड्यूल को किस संविधान संशोधन से ऐड किया गया और वो क्या था? तो 9वें शेड्यूल को ऐड किया गया पहले संविधान संशोधन
1951 द्वारा, और ये एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है, पहले ही संविधान संशोधन एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है कि 1951 के द्वारा किसको ऐड किया गया था, शेड्यूल 9 को भारतीय संविधान में अनुसूची के रूप में जोड़ा गया था। और शेड्यूल 9 क्या कहता है, तो शेड्यूल 9 कहता है, ध्यान रखिएगा, कि विभिन्न राज्यों द्वारा अधिनियमित भूमि सुधार कानूनों को अदालतों में चुनौती से बचने के लिए शेड्यूल 9 को किया गया था। यानी कि भूमि सुधार से जुड़े हुए जितने भी सुधार थे या जो नियम थे उसको कानून अदालत में चैलेंज न किया जाए, उससे जुड़ा हुआ था। और इसमें पॉइंट क्या था, तो इसमें पॉइंट ये था कि जो कोई भी कानून शेड्यूल 9 के अंतर्गत आएगा उसके ऊपर में भारत के संसद में किसी प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं होगी। मैं फिर से बता दूं कि शेड्यूल 9 के अंतर्गत आ जाने वाले कानून को भारतीय संसद में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जाएगी। और इस वजह से शेड्यूल 9 को पहले संविधान संशोधन से भारत के संविधान में जोड़ दिया गया। और इससे क्या हो गया कि उस समय जितने भी भूमि सुधार के लेकर के कानून लाए गए थे, खास करके सीलिंग एक्ट, जिसके बहुत बड़े बड़े जमींदारी को कब्जा किया जा रहा था भारत सरकार के द्वारा, तो इस एक्ट में जाकर के डाल दिया गया था कि संसद में कोई चर्चा ही ना हो जिससे कि कोई मौलिक अधिकार को लेकर के बात करे। और आगे चल करके आप जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा भी दिया गया। मतलब पहले तो किया गया कि इसको शेड्यूल 9 में जोड़ दिया गया कि संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, और आगे चलकर क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा ही दिया गया। यानी कि जो जमींदारी एक व्यवस्था थी उसको तोड़ने में बहुत बड़ा योगदान रहा हमारा शेड्यूल 9 का, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि इसमें एक और बात जुड़ती है आगे चल करके कि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि शेड्यूल 9 में लाए गए कानून जो है ना न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगा। यानी संसद में आप चर्चा नहीं करेंगे लेकिन हम जो समीक्षा करेंगे उसमें हमारे दायरे में, यानी हमारे पावर के अंदर में रहेगा, इसको आप न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं रख सकते हैं। बाद में अमेंडमेंट करके इस बात को जोड़ दिया गया, नहीं तो कोई भी जो इल मेंटालिटी के प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसकी मेंटालिटी अच्छी नहीं हो, वो कोई भी कानून बना करके और शेड्यूल 9 में जोड़ देगा, अब पूरा देश देखते रह जाएगा कि कोई शेड्यूल 9 में है तो चर्चा नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं चल सकता है। तो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बनाने के लिए, क्योंकि डिस्कशन से ही नई बातें निकल के आती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये हमारे ज्यूडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं होगा। ठीक है, शेड्यूल 9 समझ में आ गया, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं शेड्यूल 10 का। तो शेड्यूल 10 को 52वां यानी 52 अमेंडमेंट 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, और ये दल बदल कानून था, एंटी डिफेक्शन लॉ था। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना है, वीवीआई है, 9 वाला भी वीवीआई है, 10 वाला भी वीवीआई है, 11, 12, 3, 4 सारे शेड्यूल वीवीआई है। अच्छे से शेड्यूल को कर लीजिए, मैं अच्छे से किया हूँ शेड्यूल को, खूब अच्छे से, जहाँ मुझे बताना था शेड्यूल 7 खूब अच्छे से बताया हूँ, शेड्यूल 6 खूब अच्छे से बताया हूँ, 8 अच्छे से बताया हूँ, 9 अच्छे से बताया हूँ, 10 को अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो 1985 दल बदल कानून, यानी कि अगर एक दल छोड़ के दूसरे दल में जाते हैं तो दल बदल कानून के अंतर्गत आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इस कानून को 52वां संविधान संशोधन नियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। अब इस कानून के अगेंस्ट में भी कुछ बात किया गया, इसके साथ में भी कुछ बात किया गया, तो सारी बातें बाद की है। अभी हम एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें दिखता है कि 52वां संविधान संशोधन यानी कि 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 को किस शेड्यूल में के साथ है, तो 10वें शेड्यूल के साथ है, और वो क्या है, दल बदल कानून है। ठीक है, 11वां शेड्यूल पंचायती राज है, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। जब पंचायती राज हम पढ़ाएंगे तो फिर से इस बात में चर्चा करेंगे, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है, तो ये भी वीवीआई है। और 52वां संविधान संशोधन शेड्यूल 12 यानी कि अनुसूची 12 74वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा भारतीय संविधान में ऐड किया गया अनुसूची के रूप में, और ये दोनों जानते हैं भाग के रूप में भी है आपके संविधान में, पार्ट में 9 और 9A। आप जानते हैं कि शेड्यूल 11 जो पंचायती राज है वो पार्ट 9 है, और शेड्यूल 12 जो म्यूनिसिपैलिटी है वो 9 का ए है। आप इस दोनों के बारे में जानते हैं, तो दोनों को हम चर्चा भी करेंगे अलग से, इसके ऊपर क्लास भी होगा 45 मिनट आधे घंटे का,
और फिर से वहां पे अमेंडमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, हर चीज बात करेंगे। तो ये हमारा शेड्यूल था जिसको आप अच्छे तरीके से हिंदी इंग्लिश में लिख लीजिएगा। मैंने शेड्यूल को समझाने की कोशिश किया है, एग्जाम का जो क्वेश्चन बन रहा है उसके ऊपर भी बात किया है हमने यहाँ पे। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के शेड्यूल तक के इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया। जब अगली बार हम आएंगे तो प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे, प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस पूरे जो वीडियो है, आज का जो पूरा का पूरा सेशन है, इसको हम यहाँ पे रोकते हैं। आप पूरे सेशन को अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर पूरा सेशन आपको लगे कि थोड़ा लंबा है तो आपको वीडियो को पार्ट में बांट के देखिएगा। आपको हम लास्ट में एक बात जरूर बता देना चाहते हैं कि एग्जाम का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, पूरा विश्वास और गारंटी है। नहीं तो आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें, आपको पता चल जाएगा कि हमने जो पढ़ाया है वो किस लेवल पढ़ाया है। चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करके कमेंट भी करना। तो आज के सेशन को यहीं रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में हम मिलेंगे।